Sir, on the behalf of CSSRI family, welcome you in the virtual training program being organized on effective health management for enhancing work efficiency of ICRIs. इनका व्याख्यान सुनने से पहले मैं इनका एक ब्रीफ बायोडाटा आपको बताना चाहूंगी. डॉक्टर ए के जैन इज अ फुल प्रोफेसर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन एंड बिहेवियर एट मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुड़गावा. ही हैज ऑल्सो वर्क एज डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज गाजियाबाद. ही इज ऑल्सो अ विजिटिंग प्रोफेसर टू सेवरल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग आरएस यूनिवर्सिटी डेनमार्क, then IULM University Milan, Italy, University of Free State, South Africa, and IIM Lucknow and Ranchi. He has published several research papers in national and international journals of repute with several awards. He teaches courses on organizational design, leading organization transformations, and leadership and emotional intelligence and business research methods. He has research interests in the field of distributed leadership, emotional intelligence, organizational citizenship behavior, then employer silence and voice, knowledge management, career orientation, and stress and well-being. He has delivered trainings at several places like Nestle, Suzuki, ONGC, CPWD, and including defense organizations like BSF, CRPF, NIA. So, based on his expertise, I think he is the perfect resource person for today's lecture. Sir, with your brief introduction, I request you to kindly share your views with the participants. Dr. Ajay K. Jain, sir, please. Am I audible? Yes, sir. Okay. Thank you, Professor Parul Sudha. Thank you so much for this wonderful introduction. Thank you to Dr. Bhatnagar and Dr. Sharma for inviting me to this wonderful conference and seminar which you are organizing, especially for your scientists and other staff member to improve upon their well-being, health, etc. And this particular session is designed to keep in mind the current circumstances. So I hope this session would be beneficial to you. And I come from UP, Uttar Pradesh. My father was from Baghpat and Meerut. He lived in Meerut. सर वन मिनट सर हिंदी में बताएंगे तो ज्यादा अच्छा है. सारे मैं उसी पे आ रहा था भटनागर साहब, मैं उसी पे आ रहा था. मैंने असल में इसलिए बताने जा रहा था कि आप करनाल में हैं और मेरा जो जन्म स्थान है और मेरे पिता का बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो ही कम्स फ्रॉम बागपत. तो मैंने कहा भाई मुझे हिंदी आती है अच्छी तरह, मैं हिंदी में पढ़ाने में सक्षम हूँ और वही ज्यादा अच्छी आती है. इंग्लिश तो मजबूरी में सीखनी पड़ती है क्योंकि इंग्लिश ना सीखे तो कोई मान नहीं देता आजकल के जमाने में. तो आई थिंक मैंने सुबह कनेक्ट किया था तो लास्ट आपका शायद थैंक यू नोट चल रहा था थोड़ी देर के लिए, तभी कनेक्ट किया था. तो बिफोर आई बिगिन थोड़ा सा मैं ये जानना चाह रहा था कि हु ऑल आर द ऑडियंस इन दिस सेशन, कौन लोग हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअली. सर ऐसा है, ऑडियंस में हमारे सारे स्टाफ है, हर कैटेगरी के स्टाफ के लोग हैं. हाँ मतलब ये साइंटिस्ट भी है, टेक्निकल भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी है, लोअर स्टाफ भी है, सर सभी तरह के स्टाफ है जो पूरा मतलब कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का है हमारा. तो स्टाफ में जैसे कि जो नॉन साइंटिफिक वर्क करते हो, साइंटिफिक नॉन साइंटिफिक सब सब, सब. और जो रिसर्चर के लेवल के लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो भी हैं, वो भी हैं. और हमारे स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे, कुछ पीएचडी स्कॉलर्स वगैरह हैं. अच्छा पीएचडी स्टूडेंट भी हैं.
और ज्यादातर आपके ही इंस्टीट्यूशन के हैं, CSRI के हैं या बाहर से भी हैं कोई? नहीं, हमारे इंस्टीट्यूट के ही हैं सर। अच्छा, मतलब करनाल कैंपस के हैं आपके? नहीं, करनाल नहीं, हमारा सेंटर है, तीन सेंटर है और तीनों सेंटर के सभी साइंटिस्ट और सभी स्टाफ जुड़े हुए हैं। मतलब एक हमारा वेस्ट बंगाल में है, एक गुजरात में है और एक लखनऊ में है सेंटर। अच्छा, लखनऊ में भी है? जी। लखनऊ में कहाँ पर है? लखनऊ में डॉक्टर शर्मा राजपी सिंह साहब, लखनऊ में जेल रोड पे है। अच्छा, जेल रोड पे है। हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर वाईपी सिंह सर जी, नमस्कार। सिंह हमारे वहाँ पे हेड हैं जी। तो जैन साहब, इसमें जो ये बता रहे थे, मेरा ख्याल आवाज पता नहीं क्लियर हो रही जो जेल रोड का सर। हाँ, सिंह साहब बोल रहे थे, शायद उनकी आवाज कम आ रही है। जी, मैं कह रहा हूँ कि जो पुराना जेल रोड होता था सर, उस पर है ये, उसी पर लोकेटेड है। ठीक है। मैं समझ गया सर, मेरी पढ़ाई लिखाई लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही है, तो आई एम अवेयर ऑफ लखनऊ, तो बहुत अच्छा लगा ये। शर्मा जी, आप कुछ ऐड कर रहे थे? सबसे पहले मेरी तरफ से नमस्कार। पीसी शर्मा सर। हाँ जी सर, नमस्कार, धन्यवाद सर बुलाने के लिए आपको। आपको वेलकम कहता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैंने जी सर, एक मेरा ख्याल 2016 या 17 में 3 दिन का ICR ने एक प्रोग्राम रखा था, उसमें काफी सारे इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें मैं 3 दिन आपके पास MDI में हम लोग रहे थे और आप ही कोऑर्डिनेटर थे उस प्रोग्राम के, तो इसलिए मेरे को याद था। तब ये प्रोग्राम हम कर रहे अरेंज, तो सबसे पहले मैंने कहा मोटिवेशन पे बोलने के लिए जैन साहब से बढ़िया मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई बंदा होगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारा कैंपस करनाल में है, ये मेन कैंपस है। इसके अलावा 3 रीजनल स्टेशन है जी, लखनऊ में है एक, गुजरात में भरूच में है और कलकत्ता के पास कैनिंग टाउन में है। अच्छा, तो टोटल मिला के हम लोग अराउंड 230 के करीब हैं लोग, लेकिन यहाँ पे बहुत कम जुड़े हैं, ऑलमोस्ट 1/3 लोग जुड़े हैं। अच्छा, तो इसमें साइंटिस्ट जैसे भटनागर साहब हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है हमारा, कुछ हमारे पास PhD स्टूडेंट्स हैं, तो वो भी मेरा ख्याल कुछ होंगे यहाँ पे जुड़े। तो सर, शुरू किया जाए आपकी आज्ञा से? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये कोशिश सर ये रहेगी कि आपको ना उम्मीद ही ना हो इस सेशन से, और सभी लोग जो मोटिवेशन थीम है इसका फायदा सभी तक पहुंचे। और बहुत बहुत सर धन्यवाद, आपने इतने सालों बाद याद किया, लगभग 5 साल के बाद, तो आई एम सो थैंकफुल एंड सो ग्रेटफुल कि आपने मुझे याद किया इस सेशन के लिए। और पिछले 1-1.5 साल से मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि खुद को मैं मोटिवेट रख सकूँ अच्छे काम के लिए, और हो सके तो किसी और को कर पाऊँ। तो ये थीम में जो मैं बोलने जा रहा हूँ, मैं वो नहीं बोल रहा जो मैं दूसरों के लिए बोलता हूँ, मैं हर वो चीज बोलने जा रहा हूँ जो मैं खुद के लिए करता हूँ। राइट। अब यदि इसका फायदा आपके लिए हो जाए तो बहुत बहुत बढ़िया बात है। और जो चीज मैं बात करूंगा वो खुद के ऊपर प्रैक्टिस करने का प्रयास मैं करता रहता हूं। तो शुड वी स्टार्ट, मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर कर लेता हूं आपसे, जिससे थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का नोट्स भी मिलता रहेगा, और एकदम से ये ना लगे कि कहीं डिस्कनेक्ट हो तो मुझे आप बता दीजिएगा, क्योंकि ये वाईफाई का थोड़ा चक्कर रहता है बीच बीच में। तो प्लीज लेट मी नो इफ यू आर नॉट एबल टू हियर मी प्रॉपरली। अगर साहब स्क्रीन देख पा रहे हैं मेरा क्या? तो ये जो आपका वर्कशॉप है, इफेक्टिव हेल्थ मैनेजमेंट फॉर एनहांसिंग वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ICR एम्प्लॉइज, और उसी के तहत हम लोग ये मोटिवेटिंग सेल्फ और मोटिवेटिंग अदर्स का सेशन कर रहे हैं CSSRI एम्प्लॉइज के लिए, यहाँ आपके लिए। तो
तो करेंटली मैं आपसे बहुत दूर नहीं हूँ, हरियाणा के ही एक दूसरे शहर गुड़गांव में हूँ, जिसका अब नाम गुरुग्राम है। और ये एक चांस की बात है, मैं गुड़गांव में करीब 18 साल से नौकरी कर रहा हूँ 2003 से। तो जब इसका नाम गुड़गांव था तो मैं कहता था ये गुड़गांव गुड़गांव क्यों करते हैं, इसका नाम तो गुरुग्राम होना चाहिए। तो वो अपभ्रंश बन गया था, तो बाद में इस सरकार ने चेंज कर दिया, तो मेरे मन को बड़ी तसल्ली हुई, क्योंकि ये गुरु का ग्राम है, गुरु द्रोणाचार्य की कर्म भूमि है, उन्होंने यहाँ कौरव और पांडवों को शिक्षा दी थी। तो हम लोग ये मानते हैं कि गुड़गांव जो है वो यहाँ पांडवों को शिक्षा देता है। तो किसी ने पूछ लिया कि सर यदि ये पांडवों को ही शिक्षा देता है तो कौरवों को कौन दे रहा है, तो मेरा ये मानना है उनकी शिक्षा IIMs में हो रही है, हमारे यहाँ नहीं होती उनकी शिक्षा। तो वो कौरव वहां पर मिल जाए, सॉरी टू से बट जस्ट टू स्टार्ट ऑन ए लाइटर साइड, आई डिड माय PhD फ्रॉम IIT कानपुर एंड पोस्ट डॉक फ्रॉम ISB हैदराबाद एंड ऑरुस यूनिवर्सिटी। और मेरा जो एरिया है मेनली लीडरशिप का एरिया है, आई रियली एंजॉय टीचिंग लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज मैनेजमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। यदि आप लोग कभी फ्यूचर में कोई संपर्क करना चाहे तो मेरा ईमेल और व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ दे दिया है, आप लोग स्क्रीन का स्क्रीन प्रिंट स्क्रीन करते रहेंगे तो आपके पास सब ये नोट्स आ जाएंगे, नहीं तो मैं ये स्लाइड भी दे दूंगा, आई हैव नो प्रॉब्लम। तो मैं आपसे कुछ थोड़ा सा एक दो एनेक्डोट शेयर कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मत लीजिएगा या रिलीजन के, उसमें छिपी कहानी का गूढ़ भाव है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिएगा, ठीक है। एक ऋषि भृगु करके हुए हैं जो भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र जाने जाते हैं। तो भगवान जो भृगु हैं उनकी काफी ऋषियों के बीच में ये चर्चा चल रही थी कि भाई सबसे बड़े देवता कौन है, सबसे बड़े भगवान कौन है त्रिदेवों में, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान महेश, यानी कि भोले बाबा शिव शंकर। तो भृगु ने एक सजेशन दिया कि हम लोग टेस्ट करते हैं तीनों का और देखते हैं कि कौन श्रेष्ठ साबित होता है। तो जो ऋषि भृगु हैं, जो कि भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, वो सबसे पहले ब्रह्मा जी अपने पिता के पास गए। तो उनके पिता भृगु को देख के बड़े प्रसन्न हुए और सोचा कि इनको गले लगा लें, थोड़ा सा इनको प्यार कर लें। और ये तो उन्होंने जाके ब्रह्मा को जो है काफी बुरा भला कहना शुरू कर दिया बिना कुछ सोचे विचारे। ब्रह्मा जी बड़े नाराज हुए कि मेरे बेटे की इतनी धृष्टता कि उसको अपने जीवा पर कंट्रोल नहीं है, और उसको वहां से भगा दिया और कहा कि यहाँ कभी मुंह मत दिखाना। तो भृगु जी को भगवान ब्रह्मा ने भगा दिया। उसके बाद वो कैलाश गए, शिव जी वहां बैठे हुए थे, शिव जी के साथ भी उन्होंने ऐसा ही दुर्व्यवहार किया, बुरा भला बोला, शिव जी भी बड़े नाराज हुए और उनको कैलाश से भगा दिया। फिर वो क्षीर सागर भगवान विष्णु के धाम पहुंचे, विष्णु लोक, जहां पर वो क्षीर सैया में सो रहे थे, योग निद्रा में थे, और वहां जाके उन्होंने भगवान विष्णु की छाती में एक पैर मारा। छाती में पैर मारने से भगवान विष्णु उठे और उनका पहला सेंटेंस था कि प्रभु आपके पैरों में कोई चोट तो नहीं पहुंची, मुझे बुला लिया होता आपने क्यों कष्ट किया। जैसे ही भृगु जी ने ये बात सुनी विष्णु जी की, उनकी आंखें नम हो गई और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु आप ये कैसे कर पाते हैं, मैंने तो आपकी छाती में लात मारी और आपको जरा सा भी तनिक सा भी गुस्सा नहीं आया। इस बात पर भृगु ऋषि ने कहा, सारी बात बताई कि हम यहाँ पर किसी का अपमान करने नहीं आए थे, हम त्रिदेवों के लिए ये देख रहे थे कौन श्रेष्ठ हैं, और श्रेष्ठता यही साबित होती है कि भगवान विष्णु ही श्रेष्ठ हैं अकॉर्डिंग टू भृगु, जो ये लोकोक्तियां कहानियां हमें पुराणों में और भगवद गीता सॉरी ये महाभारत में मिलती है। यहाँ पर जो लात मारने का पर्याय है उसको मैं कोविड के पर्याय से लेता हूँ, कोविड की लात सबको बराबर पड़ी है, हम में से कोई अछूता नहीं रहा है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा सबको पूरी दुनिया को पड़ी है। अब सवाल यह है कि लात पड़ने के बाद या तो आप भगवान ब्रह्मा और लॉर्ड शिवा की तरह नाराज हो जाइए, और दूसरा यह है कि या लॉर्ड विष्णु की तरह उसके साथ आप सामंजस्य करिए, उसको स्वीकार करिए कि यह हमारे समाज में एक घटित घटना है, हो चुकी है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्या बेटर कर सकते हैं, यह भी एक सोच हो सकती है। दूसरी मैं आपको एक एनेक्डोट शेयर कर रहा हूं, एक बहुत महाभारत में एक बैटल का वर्णन मिलता है,
वो है ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी के बीच में। आपको ये जान के शायद जानकारी होगी जरूर कि विश्वामित्र वैसे ही है हमारे धर्म ग्रंथों में जैसे कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आज की डेट में आयुध कारखाना समझ लीजिए। वो सारे उनको अस्त्र शस्त्र का निर्माण करना आता है। ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होगा जो विश्वामित्र जी को जिसका ज्ञान ना हो, चाहे वो भगवान शिव का अस्त्र हो, इंद्रास्त्र हो, विष्णु जी का अस्त्र हो या ब्रह्मा जी का अस्त्र हो, कोई भी अस्त्र हो, सारे अस्त्रों का ज्ञान उनको है। तो एक बार जो विश्वामित्र है वो वशिष्ठ जी के आश्रम में अपनी सेना के साथ पहुंच गए और कुछ विश्राम करना चाहते थे। वशिष्ठ जी ने उनका स्वागत किया और कहा कि मैं आपके लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था करता हूं, आप आराम करिए। विश्वामित्र जी कहने लगे नहीं, आप इतना अकेले हैं, आप परेशान मत होइए, क्योंकि मेरी तो पूरी सेना है, आप थोड़ा सा मेरे को जल पिला दीजिए, बस उतने से ही काफी है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप मेरे अतिथि हैं, मैं सबके लिए प्रयास करूंगा। और उनके पास एक नंदिनी गाय हुआ करती थी और उसको वो कामधेनु बोलते हैं, और जो कुछ भी आप कल्पना करिए वो आपकी इच्छा पूरी कर देती थी। कामधेनु की मदद से उन्होंने पूरी सेना का आतिथ्य किया, खाना पीना खिलाया, और विश्वामित्र जी बड़े खुश हो गए कि ये सब आपने कैसे किया। तो उन्होंने कामधेनु नंदिनी गाय के बारे में बताया। विश्वामित्र जी के मन में लालच आया और वो कामधेनु नंदिनी गाय को ले जाना चाहते थे। कामधेनु ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी और मैं वशिष्ठ जी आपके साथ ही रहूंगी। इस बात पर विश्वामित्र जी क्रोधित हो गए। जब उनको मना किया गया तो विश्वामित्र और वशिष्ठ जी की खूब भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें विश्वामित्र जी पराजित हुए और वशिष्ठ जी की जीत हुई ऑल अलोन। और उनके पास एक ही खड़ग था जिसको उन्होंने सामने कर दिया था, और विश्वामित्र जी के ऊपर उन्होंने कोई आक्रमण नहीं किया, वो सिर्फ सारे अटैक सहते रहे। तो वो विश्वामित्र जी हैरान रह गए कि मैं इतना बड़ा एक मतलब योद्धा हूं और विश्वामित्र जी तो एक संत है, महात्मा है, उन्होंने ये सब कुछ कैसे सह लिया। और विश्वामित्र जी जितना ज्यादा क्रोध करते उतना ही शांत रह के वशिष्ठ जी उनका आक्रमण सहते। केवल एक दंड से उन्होंने पूरा युद्ध जीत लिया। जब सब कुछ खत्म हो गया विश्वामित्र जी का, तब उन्होंने पूछा कि प्रभु आपने ये सब कैसे किया। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि एक ब्रह्म ऋषि बनने के लिए ये शर्त है कि आपको अपने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। आप क्रोधित होते गए, मैं उतना ही शांत रहा। शांत जो चित्त है वो सारे युद्धों का एक बहुत अच्छा जवाब हो सकता है। शांत चित्त एक बहुत बड़ी ताकत है जो एक ऋषि के पास होनी चाहिए। उस दिन के बाद विश्वामित्र जी का हृदय परिवर्तन हुआ और वो भी ब्रह्म ऋषि बनने के मार्ग पर अग्रसर हुए। और फिर वो एक आगे बहुत बड़ी कहानी है विश्वामित्र जी की, जो आपने सुनी होगी, फिर त्रिशंकु के बारे में, और फिर उनके साथ जो उर्वशी मेनका का जो प्रकरण है वो सब सुना होगा। तो यहाँ पर मैं क्यों ये एक आपसे एनेक्डोट शेयर कर रहा था कि अटैक, सभी तरह के अटैक सहन करने के लिए आपको ईश्वर ने एक ताकत दी है, उसका नाम है शांत चित्त। क्या हमारा मन शांत है? क्या हमारे विचार पॉजिटिव हैं? क्या हम दूसरे पे बिना अटैक किए उसके अटैक को सहर्ष सहन कर सकते हैं? और यही वशिष्ठ जी की सबसे बड़ी ताकत थी, और उनको वशिष्ठ जी जैसा बनने की इच्छा हुई। विश्वामित्र को ये इच्छा हुई कि वो वशिष्ठ जी जैसा बने, और भृगु ऋषि को ये इच्छा हुई कि वो भगवान विष्णु जैसा बने। अब मैं ये जो दो एनेक्डोट्स हैं, दो एक जो कहानियां हैं हमारे पुराणों और महाभारत में जो बनती है, उनका मैं रियल में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूं जो मेरे एक्सपीरियंस है। आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक थे जो लखनऊ में CDRI एक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहां काम करते थे। और दूसरे एक बिजनेसमैन थे जो कि पुणे में एक कंपनी चलाते थे और जो कि शुगर मिल्स को कंसल्टिंग सर्विस देती थी, शुगर मिल्स को। तो मैं इन दोनों सज्जन के साथ एक हवाई यात्रा में था, IIM लखनऊ जा रहा था पढ़ाने। तो साइंटिस्ट और ये बिजनेसमैन मेरे आजू बाजू बैठे हुए थे। दोनों से बात करने के बाद ये पता पड़ा कि दोनों के दो दो लड़के हैं और एक एक लड़की है।
और दोनों ही काफी सफल हैं। दोनों की उम्र करीब 70-72 साल थी, दोनों बड़े मेहनती जीवन में नजर आए मुझे। तो करीब आधा घंटे बात करने के बाद उनके बारे में पर्याप्त जानकारी जब मिल गई तो ये घटना 2008 और 9 की है। और मेरे मन में एक विचार आया एज ए यंग फादर, क्योंकि उस समय मेरे एक बेटा था, हुआ था 2006 में, जो कि उस समय 3 बरस का था, शायद 2008-09 की बात है। तो मैंने पूछा कि सर एक बात बताइए, आपके बच्चे, सभी बच्चे बहुत सक्सेसफुल हैं, कोई कहीं पर वाइस प्रेसिडेंट है किसी एमएनसी में, किसी बैंक में, कोई अमेरिका में सेटल है, कोई प्रोफेसर बन चुका है, और सभी के परिवार हैं, सभी के बच्चे हैं, तो 72 वर्ष की आयु तक उन्होंने अपने बच्चों को लिखा पढ़ा कर सब सेटल कर दिया। तो मैं ये सोचने लगा यार बाप बनना बड़ा कठिन काम है, इन लोगों ने ये कैसे किया होगा। ऑल्दो आई एम ए साइकोलॉजिस्ट बाय माय ट्रेनिंग, आई डिड माय बैचलर एंड मास्टर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ एंड, लेकिन मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, हाउ टू बिकम ए गुड फादर, हाउ टू बिकम ए ग्रेट फादर। तो मैंने उनसे पूछा कि कुछ मुझे भी ज्ञान दे दीजिए, मेरा भी भला होगा। तो दोनों चुप हो गए, उन्होंने बातचीत करना मुझसे बंद कर दिया, 2 मिनट शांत रहे। तो मैंने कहा सर सॉरी, मैंने कुछ गलत सवाल पूछ लिया हो। कहने लगे नहीं, सवाल आपका बड़ा अच्छा है, लेकिन हम ये सोच रहे हमने ऐसा क्या किया, इस बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। कहने लगे हम तो सर जीवन भर बड़ा व्यस्त रहे, बहुत व्यस्त रहे, इस बात को कभी सोचा नहीं कि हमने ऐसा कोई स्पेशल काम किया अपने बच्चों के। तो उन्होंने अपना जवाब दे दिया और मुझे अपना जवाब मिल गया। बट मुझे पता नहीं, आप में से कोई यदि यंग पिता हो तो उनके जवाब में आपको अपना जवाब मिला हो। उन्होंने कहा कि सर जीवन भर बड़ा व्यस्त रहे, पता नहीं हमने ऐसा स्पेशल क्या किया। इसी बात में उनका बहुत बड़ा जवाब था, जो मुझे एक अच्छा रिस्पांस मिला और आज भी मैं उनके जवाब को मानता हूं। क्या आप में से कोई ये बात बताना चाहेगा, उन्होंने ऐसा अपने बच्चों के लिए क्या किया जिससे उनके बच्चे इतने श्रेष्ठ बने, सफल रहे? आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, देखिए, और अपना वीडियो ऑन रखेंगे तो अच्छा लगेगा, मुझे थोड़ी बातचीत भी होगी तो आपको ये सेशन भी ठीक लगेगा। और आपको अभी तक लग रहा होगा ये सेशन नहीं है, सत्संग है। सागर मुझे यंग लग रहे हैं काफी, भले ही थोड़ी सी दाढ़ी वाड़ी है इनके, लेकिन थोड़ा यंग आदमी नजर आते हैं। सागर तुम पिता बन चुके हो कि नहीं? हाँ सर, मैं बन चुका हूँ। तो कितना बड़ा बच्चा है तुम्हारा? सर 9 महीने का है। 9 महीने का, तुम्हारे मन में सवाल है कि नहीं कि कैसे अच्छा पिता बना जाए? हाँ सर बिल्कुल है। तो फिर क्या जवाब कैसे मिला? जवाब सर, इस कहानी में क्या जवाब था जो उन्होंने कहा? वो अपने काम के साथ बच्चों के परवरिश में ही बिजी रहे थे। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, वो जीवन भर अपना काम अच्छे से करते रहे, व्यस्त रहे, और इसका मतलब ये हुआ उनके बच्चों ने अपने पिता को हमेशा व्यस्त देखा और यही देखकर वो बड़े हुए। तो इससे क्या समझ में आया, तो व्यक्ति अपना काम अच्छी तरह करता है और उसके सबॉर्डिनेट और उसके बच्चे उसको ये देखकर बड़े होते हैं, तो कल संभावना इस बात की है कि वो भी अच्छा काम करेंगे। अब आपको मैं एक बड़ी अच्छी कोट कर रहा हूं उन्हीं की कहानी से। इसमें जो लखनऊ में जो साइंटिस्ट थे CDRI में, उन्होंने अपने बच्चे के बारे में बताया कि उनका बेटा अक्सर ये सवाल पूछता था जब वो लैब से घर वापिस आते थे देर रात, कई बार उनको 8-9 भी बज जाते थे। तो उनका बेटा छोटा था तब कहता था पापा आप ही सबसे ज्यादा लेट आते हो, बाकी लोग तो जल्दी आ जाते हैं। तो वो भी कहते थे बेटा कई बार काम करते करते लेट हो जाता है, लेकिन मैं जल्दी आना चाहता हूं, लेकिन फिर भी काम खत्म करते करते लेट हो जाता है। हर बार उसकी यही शिकायत रही, जीवन भर यही शिकायत रही, और जीवन भर वो उसको तसल्ली दे नहीं पाए। ये बात हुई और उसने लखनऊ यूनिवर्सिटी से BCOM किया और उसके बाद वो अमेरिका चला गया अपना GRE एग्जाम देके, टॉफिल देके, और वहां से MS किया, PhD की, और ओहायो या कहीं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर बन गया। अब लखनऊ से उसके पिता कभी कॉल करते हैं तो वहां पर रात हो रही होती है, यहाँ सुबह होती है,
तो पूछते हैं बेटा कहाँ पर हो, कहता पापा ऑफिस में हूँ। कितना बजा है, कहते 9:30 बज रहा है। अब उसके पिता कहते हैं बेटा समय पे चले जाया करो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। कहता पापा क्या करूं, लेट हो जाता हूं। इस बात का जवाब आज तक दुनिया में कोई नहीं दे पाया कि क्यों लेट हो जाता है। जो बिजी हैं, जो अपना काम धर्म के अनुसार कर रहे हैं, उनके पास ये जवाब नहीं है। बस जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको ये जवाब मिलता है। तब तक पिता की उम्र 72 होती है, बेटे की 45 होती है। अब सागर 45 का होने का वेट करो, तब समझ में आ जाएगा। कुछ चीजें समय से आएंगी, मैं जल्दी नहीं सिखाता हूं, लेकिन क्या ये बात आपको समझ में आती है जो मैं कह रहा हूं आप लोगों को? एनी ऑब्जर्वेशन, एनी क्विक कमेंट फ्रॉम योर साइड? जी पारुल मैम। हाँ जी सर, मैं भी अपना ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। सर मेरे पिता भी सदैव अपने कार्य में बहुत व्यस्त रहे। तो जब मैं कक्षा 9वीं में थी तो मेरे पिता से अगर कोई कहता कि आपकी बेटी कौन सी कक्षा में है, तो बताते थे 7वीं या 8वीं में है शायद। तो उनको अपने कार्य में ये ध्यान ही नहीं रहता था कि मेरी बेटी कौन सी क्लास में है। बस सर शायद उनकी उम्मीदों पर मैं आज खरा उतर पाई हूँ सर। बहुत अच्छी बात है आपके लिए भाई, तो जोरदार तालियां पारुल जी के लिए, बहुत बढ़िया। ये अच्छी बात है जीवन में हम लोग देखिए, हमें कोई क्या कहता है उससे हम इतना नहीं सीखते जितना हम इससे सीखते हैं कि कौन हमारे सामने क्या करता है। और खास तौर से यदि वो हमारे बॉस हो, हमारे सीनियर हो, हमारे माता पिता हो, हमारे बड़े लोग हो, बड़े बुजुर्ग, वो जो करेंगे वही हम भी करते हैं। एक संस्कृत में एक सेइंग है कि वृद्ध लोग जिस मार्ग पर जाते हैं छोटों को उसी का अनुसरण करना चाहिए, और वही मार्ग सही बताया गया है। तो वेदों में कहा गया है कि जो व्यक्ति वेद ना पढ़ पाए तो उसके लिए उपनिषदों की रचना हुई। और यदि आप उपनिषद भी कठिन जान पढ़ते हैं तो आप थोड़ा पुराणों का अध्ययन कर सकते हैं, पुराण थोड़ा सिंपल है। और यदि आपको वेद, उपनिषद और पुराण तीनों ही कठिन लगते हैं तो महाभारत सबसे सिंपल ग्रंथ है। महाभारत में ढेर सारी कहानियां बहुत मजेदार है, उसको सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। आज की डेट में सुनना भी बड़ा आसान है यूट्यूब में जाके। और यदि आपको वो भी कठिन लगता है, गीता भी कठिन लगती है, तो हमारे वेद उपनिषद कहते हैं कि आप किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का अनुसरण कर लीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन किसी श्रेष्ठ को ढूंढना आप ही की जिम्मेदारी है कि आपके लिए श्रेष्ठ कौन है। वह घर में आपका पिता भी हो सकता है, वर्क प्लेस पे आपका बॉस भी हो सकता है, या आस पड़ोस में या समाज में कोई और पॉलिटिकल लीडर, बिजनेसमैन भी हो सकता है। आजकल जब मैं लोगों से बात करता हूं तो मैं देखता हूं कि वैसे तो मोदी जी के क्रिटिक्स बहुत हैं, लेकिन मोदी जी की तारीफ करने वाले लोगों की संख्या भी काफी है जो उनको अच्छा लीडर मानते हैं। तो उनको अच्छा कहने का मतलब मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन उनको अच्छा कहने वाले आजकल समाज में काफी दिखते हैं। दूसरा मैं एक्सपीरियंस यहाँ शेयर कर रहा हूँ, एक अपोलो कंपनी के लिए मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा था। अपोलो का जानते होंगे, जो टायर कंपनी है। तो उनके रीजनल सेल्स हेड की ट्रेनिंग चल रही थी, उसमें एक रीजनल सेल्स मैनेजर ने बड़ा अच्छा अपना एक्सपीरियंस बताया। कहने लगा सर आज की डेट में मैं एक रीजनल सेल्स मैनेजर हूं, और बीच में क्या हुआ कि मैं बहुत मोटा हो गया था, बहुत मोटा, मेरा वजन 110 किलो हो गया था, जबकि मैं करीब 70 किलो के आसपास हमेशा रहता था। और मैं स्प्रिंटर था, दौड़ता भागता था, लेकिन पिछले करीब कई सालों से जब से नौकरी ज्वाइन की मैंने दौड़ना भागना बंद कर दिया। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे को एक बार गुवाहाटी जाने का अवसर मिला, जहां से मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई की थी। तो मैं अपने एक प्रोफेसर से बड़ा प्रभावित था, मैं उनको बड़ा पसंद करता था। तो मैं उनको कॉल किया, कहने लगा सर मैं गुवाहाटी आ रहा हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम सुबह सुबह आ जाना 7 बजे, मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ अपना, साथ में वॉक करेंगे और बात कर लेंगे। मैंने उनके पास यूनिवर्सिटी में पहुंचा और हम लोगों ने 4-5 किलोमीटर की वॉक की, और उनसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और मैं दिल्ली वापस आ गया, अपना काम करने लगा। एक दिन मन में ऐसे ही विचार आया कि ये जो प्रोफेसर साहब है मेरे, ये तब भी ऐसी वॉक करते थे, तब भी ऐसे ही गहरे बदन के थे, आज भी ऐसे ही वॉक करते हैं, आज भी ऐसे ही है। एक तरफ मैं अपने को देखता हूं, तब मैं रनिंग करता था और मैंने कई गोल्ड मेडल जीते, और आज की डेट में मेरा शरीर इतना बढ़ चुका है, भारी हो चुका है कि मैं अब कुछ भी कर पाने के लायक नहीं हूं।
तो मुझे अपने पे बड़ा ग्लानी हुई, खेद हुआ, और मैंने उस दिन डिसाइड किया कि अब मैं नौकरी करूं या ना करूं, लेकिन जीवन में दौड़ना नहीं छोड़ू। मैंने फिर से दौड़ना पिकअप किया और अपना वजन फिर से 70 लेके आया। आज मैं नौकरी भी करता हूं और अपने को दौड़ने वाला काम जरूर करता हूं, सप्ताह में 3-4-5 बार कर लेता, मेरे को बड़ी संतुष्टि है। तो इस बात को मैं क्यों कहना चाह रहा था, कोई मेरे को बता सकता है कि इस कहानी से हमें क्या जानकारी मिल रही है दूसरे वाले एक्सपीरियंस से? और ये रियल है दोनों बात के, पहले दो पुराणों और महाभारत से है, दूसरे मेरे ट्रेनिंग एक्सपीरियंस से जो मैंने खुद किए और मेरे को किसी ने बताया। नीरज साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं लग रहा, कुलश्रेष्ठा जी। नहीं सर, इसमें यही है कि जो आपका की हॉबी है या आपका जो निरंतर जिस कार्य को आप करते हैं उस कार्य को मत छोड़ें जी, क्योंकि आपकी हॉबी अगर रहेगी तो आप खुश रहेंगे, और आप जो खुश रहेंगे तो आप अपना काम जो है वो अच्छे से कर पाएंगे। और कोई इसमें ऐसी बात, मतलब उसने ये करना छोड़ दिया और फिर बाद में दोबारा क्यों किया? दौड़ना बंद कर दिया फिर दौड़ना शुरू किया, किस बात ने उसको प्रेरित किया? उनको इंस्पिरेशन मिला कि जो उनके रोल मॉडल थे, कि उनके रोल मॉडल थे वो कैसे कैसे हैं, वो इस समय क्या कर रहे हैं, तो उनको अपने रोल मॉडल से एक इंस्पिरेशन मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक टीचर जो जीवन भर मॉर्निंग वॉक करता था और जीवन के अंत में पहुंच के उसने अपने एक छात्र को प्रेरित किया मॉर्निंग वॉक करने के लिए और रनिंग करने के लिए। जी 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 सर। लेकिन क्या वो इसके ऊपर कोई लेक्चर दे तो प्रेरित कर पाएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रेरित कर पाएंगे। क्या लेक्चर देने से लोगों को प्रेरणा मिलती है, हम लेक्चर दे दें और खुद वो काम ना करें? हाँ नहीं, ये तो जरूरी है सर, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं, जो आप कर रहे हैं और जो आप बोल रहे हैं, दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। तो श्रेष्ठ लोगों में जो वो कहते हैं और जो करते हैं उसमें सामंजस्य होता है। जी जी। और कलयुग में एक पहचान बताई गई है कलयुग की, जो बोलते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो बोलते नहीं है, जो करते और बोलते हैं वो सोचते नहीं है, सोचते कुछ और। ज्यादातर ये कलयुगी दिमाग है हमारा। तो इन चारों बातों को आप सब लोग रिलेट कर पा रहे हैं? आगे बढ़ने से पहले मैं ये जानना चाह रहा था कि हम लोग एक साथ एक कश्ती में सफर कर रहे हैं या नहीं। दीपी मेरा क्लास चल रहा है, तो क्या आप लोग इसको रिलेट कर पा रहे हैं किस कुछ? मतलब मैंने चार एग्जांपल दे डाले इतनी देर में, लेकिन क्या आप लोग कोई भी रिलेट कर पाए? ऐसा तो नहीं है कि कुछ इनका रिलेशनशिप क्या है आपस में, इंटर को रिलेशन क्या है चारों बातों का? डॉक्टर झा वो सोच रहे थे कुछ, मेरे को ऐसा लगा तो मैंने कहा उन्हीं से पूछा जाए। सर जो मैं अभी तक समझा हूँ, जो मैं अभी तक समझ पाया कि अपना कर्तव्य निभाना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। लेकिन एक बार बताइए झा साहब, अपना कर्तव्य निभाना कोई आसान काम है? सर अगर ठान लेगा तो वो जरूर करेगा। अरे लेकिन ठानना तो पड़ेगा, लेकिन ठानना भी आसान है क्या? ठानना भी तो करी नहीं, ठानते भी कितने लोग हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ठानने के लिए भी तो प्रेरणा चाहिए कि वो ठाने। नहीं प्रेरणा तो चाहिए सर। हाँ। लेकिन आपको क्या लगता है मुसीबत कहां पर है, इसमें दिक्कत कहां पर है? ठानने में क्या दिक्कत है, या ऐसी अपना कर्तव्य करने में दिक्कत कहां पर आती है लोगों को? आपकी बात से मैं सहमत हूँ, अपना कर्तव्य करना सबसे अच्छी बात है, लेकिन हमें अपना ड्यूटी करने में कहाँ दिक्कत आती है, क्यों नहीं करते लोग अपनी ड्यूटी? सर ये सब सर डिपेंड करता है उसका विजन क्या है। हमारा क्या विजन है, मैं क्या चाहता हूँ, और उसी के अकॉर्डिंग जैसे मन में अगर कोई इच्छा है तो वो इच्छा को कैसे मैं उसका सफलीभूत कर सकूं,
उसके ऊपर डिपेंड करता है सर। अच्छा भटनागर साहब आप कुछ ऐड कर रहे थे शायद। मैं कह रहा था कि डिटरमिनेशन करने के लिए आदमी को एक पर्टिकुलर गोल चाहिए जी, कि वो क्या करना चाहता है जी। अधिकतर लोगों के पास में गोल नहीं होता कि जो मिल जाएगा वो कर लेंगे, वो एटीट्यूड ज्यादातर लोगों के पास होता है। और बहुत लोग ऐसे चीज सोच के चलते कि हाँ मुझे ये कुछ करना है, मुझे ये बनना है या मुझे ये अचीव करना है, तो डिटर्मिनेशन उसके साथ में आ सकता है। अगर गोल नहीं है तो डिटर्मिनेशन का कोई मीनिंग नहीं है। एक बात है भटनागर साहब की, गोल तो बहुत सारे लोगों के मन में आ जाता है और रखते भी हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लगभग मेरे ख्याल से 3-4 लाख बच्चे आईआईटी जेई की परीक्षा देते होंगे, नहीं करीब कितने लोग देते होंगे? 4 लाख। और सबके मन में गोल रहता होगा कि भाई हम आईआईटी जेई क्लियर करें, लेकिन पूरे देश में शायद मिला के कितनी सीट होंगी? मेरे ख्याल से 5-7 हजार सीट होंगी, सॉरी इस समय तो ज्यादा है, 14 हजार सीट होंगी करीब। 14,000 के करीब सीट हैं आईआईटीज में। तो ये बताइए कि देखिए 4 लाख में से 14,000 ही क्वालिफाई करेंगे, इसका मतलब ये 4 में से जो 14 क्वालिफाई करते हैं ये गोल के प्रति समर्पित हैं, ये ठाने हुए लोग हैं। प्रयास तो बाकी भी करते हैं लेकिन सफल वो होता है जो ठान लेता है कि अब करो या मरो। सर मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा जी। इसमें कैसा होता है कि एक जो 4-5 लाख लोग जो देते हैं वो रियली इसमें से मुझे लगता है कि 10-20% लोग होते हैं जो डिटरमाइन होकर करते हैं कि मुझे ये अचीव करना है। अधिकतर लोग तो देते हैं कि हाँ एग्जाम देना है तो इसलिए दे देते हैं। दूसरा यह है कि उसमें उनका डिटरमिनेशन नहीं होता। दूसरा यह है कि जो अचीवर होते हैं, मान लिया 40,000 लोग डिटरमिनेशन के साथ दे भी रहे हैं, जो लोग अचीवर नहीं होते हैं तो बाई चांस उनको मान लिया आईआईटी में एडमिशन नहीं मिला, उन्होंने एनआईटी में निकाल लेते हैं। अगर एनआईटी में नहीं मिला तो यूनिवर्सिटी में निकाल लेते हैं। और कई ऐसे एग्जांपल भी है जो यूनिवर्सिटी वाले ना लाइफ में ज्यादा अचीवर रहे आईआईटी से भी, इफ दे हैव डिटरमिनेशन एंड दे आर डिवोटेड टू देयर ओन गोल्स। मैं भटनागर साहब मेरा सवाल यहाँ पे बल्कि मैं इसको अब दूसरे ढंग से कहूंगा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो 14,000 लोग पास आउट भी हो गए और 14,000 लोगों ने आईआईटी जेई क्लियर भी कर लिया, यू फॉरगेट दोस 4 लाख पीपल, ये 14,000 में भी कितने लोग आगे चल के प्रेरित रहते हैं समाज के लिए, समाज में कंट्रीब्यूट करने के लिए। आप ये देखिएगा कि पढ़ लिख के भी इंसान कहता है यार मैं ये काम क्यों करूं, मेरा बॉस तो करता नहीं है, मैं क्यों करूं, मेरा तो प्रमोशन नहीं हुआ, मैं क्यों करूं, वो देखो सामने वो काम नहीं करता था, नाकारा निकम्मा, उसका तो प्रमोशन भी हो गया, बॉस को भी बोलेगा सर अब उसी से करा लो, मैं नहीं कर सकता ये काम। जीवन के कटु अनुभव इंसान को कटु बना देते हैं और उसको उसके काम की जो प्रेरणा है उसको खत्म कर देते हैं। मैं तो उन 14,000 की भी बात करता हूं, वो 14 के 14 कौन से प्रेरित रहते हैं जो पास आउट भी हो गए, आईआईटी जेई भी कर लिया, आईआईएम्स में भी चले गए, कोई बड़े बड़े लोग भी बन गए, ऑफिसर्स भी बन गए, साइंटिस्ट भी बन गए, लेकिन क्या वो प्रेरित रहे जीवन भर? और क्या आप अपने कटु अनुभवों को कह सकते कि नहीं मिलेंगे जीवन में, कोई आपको परेशान नहीं करेगा, कोई आपके साथ अन्याय नहीं होगा, क्या आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी? ऐसा होता है क्या जीवन में? मेरा तो सवाल ही है कि कटु अनुभव के बावजूद भी हम क्या प्रेरित रह पाते हैं। हाँ जी बुंदेला साहब, डीएस बुंदेला जैन साहब, इसमें ऐसा रहता है कि जो आदमी कर्म और धर्म को जोड़ लेता है जी, वो तो इस रास्ते पे चलता रहेगा। धर्म का मतलब यहाँ सत्य की बात हो रही है, धर्म मतलब विशेषकर वो नहीं है। नहीं नहीं मैं समझता हूँ धर्म की भाषा परिभाषा समझता हूँ, ये मेरे बोर्ड पे लगी हुई है, देखिए धर्म 10 धर्म बताए गए। हाँ तो इसमें उत्तम तप उत्तम ज्ञान, जो कर्म और धर्म को जोड़ लेता है वो ज्यादा भटकता नहीं है, लेकिन लाइफ में कटु एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है और ये पार्ट ऑफ लाइफ भी है। ऐसा कोई आदमी नहीं है कि जिसको कटु एक्सपीरियंस ना हो लाइफ में, तो वो रहता है। तो उसका एक ही तरीका होता है कि जो अपना कर्म धर्म यदि ये दोनों चीजों को मान के चलता है तो ठीक है, वो निकल जाएगा उससे, अदरवाइज वो भटक जाते हैं।
रीजन कुछ भी हो लेकिन वो भटकने का पूरा एक तरह उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो फिर क्या है वो आईआईटी से हो चाहे आईएम से हो, भटका हुआ तो कोई चीज होती है तो वो डायरेक्शन लेस हो जाती है। तो ये जिंदगी की सत्यता है। इसका मतलब ये है कि हमें अपने दिमाग को अपने मन को भटकने से बचाना है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या वो आसान है? नहीं आसान तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है आसान, लेकिन कुछ ना कुछ आपको एक वो मानना पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं ना मूर्ति पूजा करते हैं, तो क्यों करते हैं कि मान लेते हैं इसमें सत्य है, तो आपको कोई गुरु कोई मूर्ति या कुछ ना कुछ चीजें लेने पड़ेगी लाइफ में, तो उस पर ये बुंदेले साहब आप क्या उधर झांसी ललितपुर साइड के हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल झांसी के हैं। झांसी के? अच्छा, अरे आपका जो सरनेम है ना बुंदेला, बड़े दिन बाद मुझे सुनने को मिला। मैं ललितपुर में रहता था 3 साल। हाँ जी तो वो अपने राजा बुंदेला का घर हमारे घर के बगल में ही था। अरे बहुत अच्छा है, वो हमारे रिलेटिव भी है। अच्छा, बचपन में मेरा क्लास 3rd, 4th और 5th वहीं से हुआ है। अरे बहुत अच्छी बात है। सरस्वती मंदिर एक स्कूल होता था तालाबपुरा में। हाँ जी तो वहीं से मेरी पढ़ाई थी 3री 4थी। चलिए बहुत बढ़िया। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के आपसे एक मॉडल शेयर करूंगा कि आखिर हम अपने इस जो जो ये जो होता है ना आदमी भटक जाता है, जिसको आप कर्म धर्म या जो भी नाम दें, ड्यूटी नाम दें, कुछ भी दें, आखिर प्रेरणा कहाँ चली जाती है? देखिये आईआईटी जेई क्लियर करने तक की तो प्रेरणा खूब थी, लेकिन जेई क्लियर करने के बाद जब आपने बीटेक करना शुरू किया तो प्रेरणा कहाँ चली गई, कमजोर क्यों हो गई? फिर बीटेक करके जब नौकरी करने लगे तो क्यों कमजोर हो गई? फिर नौकरी में आने के बाद वो आप पीछे क्यों रह जाते हैं उन लोगों से जो उतने क्वालिफाइड भी नहीं होते? मैंने देखा है कम क्वालिफाइड आदमी बहुत तरक्की कर लेता है क्योंकि उसके दिमाग सही रहता है, क्वालिफाइड आदमी का दिमाग गड़बड़ा जाता है। तो इन चीजों को कैसे देखते हैं इसकी चर्चा करते हैं। मैं अभी और एक दो एग्जाम्पल आपसे शेयर करूंगा जो कि मेरे रोल मॉडल हैं अपने जीवन में। इनमें एक बहुत बड़ा नाम है मेरे लिए दशरथ मांझी का। इसका नाम आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, ये उसमें पिक्चर भी लगी हुई है। ठीक है, दशरथ मांझी का जन्म 1934 में गहलोर विलेज में हुआ था, गया डिस्ट्रिक्ट बिहार में, और 2007 में उनका देहांत हुआ था। प्रोफेशन से वो एक मजदूर थे, पत्थर तोड़ने का काम करते थे। उन्होंने एक पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाने का काम शुरू किया 1966 में और इस काम को पूरा किया 1988 यानी कि 22 सालों में। उनको पहाड़ तोड़ने का जो औजार था वो था छेनी और हथौड़ी। सवाल बड़ा सिंपल है, इतनी प्रेरणा कहां से आई मांझी के पास कि छेनी और हथौड़ी का इस्तेमाल करके पहाड़ तोड़ डाला? क्या वो अपनी सफलता को लेके आश्वस्त थे कि 22 साल के बाद वो सफल हो जाएंगे? क्या गारंटी थी कि इस बीच में वो मर खप नहीं जाएगा बंदा? क्या बात की गारंटी है कि 22 साल में आप सफल हो जाएंगे छेनी हथौड़ी से जो काम करना आपने लिया है? मजबूत कौन है इसमें? आपका एक दो माइंड है, एक कॉन्शियस माइंड एक सबकॉन्शियस माइंड। जी, तो जो सबकॉन्शियस माइंड आपका है उसको आपने जागृत करना है इन काम को करने के लिए, और उसके लिए आपको डिटर्मिनेशन करना है और उस काम का टारगेट फिक्स करना है। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जब आप स्ट्रोंग होंगे तो सोचेंगे कि मुझे ये पाना है तो आप कर पाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड जब आपका जागृत हो जाए। ये सर मैं तो लग रहा था मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पढ़ाने आया हूँ, मुझे तो लगता आप भी साइकोलॉजी वाले निकले पूरी तरह। ये सबकॉन्शियस कॉन्शियस की जो भाषा है वो सिगमंड फ्रॉयड की है, उसने माइंड के 3 हिस्से बताए हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। सबकॉन्शियस तो हम रिकॉल भी कर लेते हैं, अनकॉन्शियस हम कभी रिकॉल नहीं कर पाते। उसके लिए कुछ टेक्निक बताई गई है, जैसे कि एक कैथार्सिस टेक्निक होती है, कैथार्सिस फ्री एसोसिएशन होता है, तो हमें बोलने के लिए बोलता है क्या नाम है एक साइकोलॉजिस्ट, तो हम बोलते रहते हैं तो हमारे मन के मनोभाव निकल जाते हैं, वो अनकॉन्शियस। फ्रॉयड का कहना है कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा मोटिवेशन अनकॉन्शियस से आता है, जिसको शायद आप सबकॉन्शियस बोल रहे थे। तो क्या इनको इतनी प्रेरणा कहां से मिली दशरथ मांझी को कि वो एक टक छेनी हथौड़ी करके चोट करता रहा? गर्मी भी हुई बरसात भी हुई, 22 गर्मी 22 बरसातें,
खाना भी शायद कई बार नहीं मिला होगा, भूखा भी रहा होगा। और यदि आप मूवी देखें, मांझी नाम से एक मूवी भी है, तो उसके अंगूठे में एक सांप ने काट लिया था जब वो ये कर रहा था। तो सांप ने जब काट लिया तो जहर बॉडी में ना जाए, उसलिए उसने क्या किया, छेनी लगाई अपने अंगूठे पर पैर के और हथौड़ा मार के अंगूठे को पैर से अलग कर दिया। इस काम को करने का बंदा प्रयास कर रहा है, अपने शरीर का भी उसको ख्याल नहीं है, अपने अंगूठे को अपने शरीर से खुद ही अलग कर देता है। ये क्या है, ये क्या है, ये कौन सी शक्ति है, इंसान को कहां से मिलती है इतनी शक्ति, कौन देता है ये शक्ति, बाजार में कहां पाई जाती है, कौन से मॉल में बिकती है, कौन से इंस्टीट्यूट में इसकी शिक्षा होती है, कौन सा आईआईटी, कौन सा आईआईएम, कौन सा एमडीआई हमें ये शिक्षा दे सकता है इतनी प्रेरणा की, कि अपने पैर के अंगूठे को खुद ही काट दें जिससे जहर ना फैले, जिससे कि मैं अपना काम करता रहूं, जिससे मैं पहाड़ तोड़ के रास्ता बना पाऊं। कहां से आई इतनी प्रेरणा, कोई बता सकता है? इनकी कोई कहानी है शायद कि इनकी पत्नी की डेथ हो गई थी शायद किसी बीमारी से। इनकी इनकी पत्नी की देहांत हो गया था उसी पहाड़ से गिर के जी, और वो उनके लिए खाना वाना लाती थी दिन में, तो वो गिर पड़ी और जब तक मांझी उनको गया ले गया, हॉस्पिटल दूर था, तब तक उनका देहांत हो गया। तो डॉक्टर ने कहा कि यदि आप थोड़ा समय पहले ला पाते तो शायद हम उन्हें बचा पाते। मांझी ने ये सोचा कि मेरे गांव में किसी और व्यक्ति की मृत्यु ऐसे ना हो, और वो अपने पत्नी को बड़ा प्रेम करता था, उसने अपनी पत्नी की याद में उस पहाड़ को तोड़ डाला जो पहाड़ उसकी पत्नी के देहांत के लिए जिम्मेदार, और ये सोच के कि आगे किसी और के साथ ऐसी दुर्घटना ना हो। अब यदि ये बताइए कि मांझी को अपनी पत्नी की मृत्यु से इतनी प्रेरणा मिली। बहुत से आदमी ऐसे होंगे जिनकी पत्नी मर गई होगी तो कहते होंगे अच्छा हुआ, चलो अब दूसरी शादी कर लो। उनकी प्रेरणा कहीं और थी, एक आदमी की प्रेरणा कहीं और है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति जिसकी पत्नी का देहांत हुआ, इस तरह दुर्घटना हुई, जरूरी नहीं है कि उसको प्रेरणा मिल गई हो। यू गॉट माई पॉइंट? दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, अपने एक और रोल मॉडल है महात्मा गांधी, जो एक संत के तौर पे मैं देखता हूं। उनको मैं आजादी का आंदोलन का ज्यादा वो नहीं मानता, लेकिन एक एक श्रेष्ठ इंसान, श्रेष्ठ व्यक्ति जरूर मानता हूं। यदि आप उनकी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पढ़ेंगे तो जो कुछ भी उन्होंने लिखा है अपने बारे में, जिस तरह से लिखा है, वो आसान नहीं है किसी इंसान के लिए, आसान नहीं। और अहिंसा के प्रति जो उनका एक मतलब जो समर्पण था वो गजब का, मतलब गजब का समर्पण था। 2 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था 1869 को, 30 जनवरी 1948 को उनका देहांत हुआ था। प्रोफेशन से वो एक लॉयर थे। भारत जनवरी 1915 में वापस आए। भारत की आजादी 1947 में हुई। भारत की आजादी के लिए जो उन्होंने चुना था टूल, वो था अहिंसा का अस्त्र। क्या अहिंसा से युद्ध जीते गए हैं? क्या अहिंसा एक लड़ाई का अस्त्र हो सकता है जीवन में? क्या गांधी जी अपनी आजादी, भारत की आजादी को लेकर श्योर थे? 1915 से 1947 तक वो लगातार प्रयासरत रहे 32 साल। क्या इस बात की गारंटी थी कि 32 साल बाद वो आजाद हो जाएंगे, भारत आजाद हो जाएगा? क्या उस बात की गारंटी थी कि वो तब तक जीवित रहेंगे? इतनी प्रेरणा 32 साल तक काम करने की प्रेरणा कहां से मिली? एनी क्विक थॉट की इतनी प्रेरणा उनको कहां से मिली? इसमें टर्निंग पॉइंट है कहीं, हर आदमी के या किसी जो महान आदमी होता है उसकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। जैसे गांधी जी को साउथ अफ्रीका में चलती हुई ट्रेन से उतार दिया था जी, जी तो क्या होता है कि वहां से उनको मोटिवेशन हुआ। तो उन्होंने फिर पहले जो गांधी जी थे पूरे ब्रिटिश लुक में रहते थे, ये पूरे कोट जो जो रहता है सूट में रहते थे, उसके बाद इन्होंने सारा छोड़ दिया था सारा कुछ। वो एक ड्राइविंग और एक मोटिवेशनल उनका टर्निंग पॉइंट था लाइफ में कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ अब काम करना। तो इस तरह से मुझे जो लगता है कि इसी तरह के टर्निंग पॉइंट थे। फिर वो क्या होते हैं कि मास अपने साथ लेके चलते हैं, और गांधी जी के पास ऐसा तो कुछ था नहीं कि ये अंग्रेजों से फाइट कर सकें, तो इनको लगा होगा कि ये अहिंसा ही एक बेटर टूल है।
तो मेरा व्यू तो यही है सर। ये बात आपकी सही है कि गांधी जी के साथ एक अपमान भरी, अपमान से भरी एक घटना हुई थी साउथ अफ्रीका में, जिसमें कि उनको ट्रेन से बाहर धक्का मार के निकाल दिया था, जबकि उस कोच का टिकट उनके पास था, जो उनका अधिकार था उस ट्रेन, और वो एक सूटेड बूटेड जेंटलमैन भी थे, कोई ऐसे गरीब तबके के आदमी नहीं थे, पढ़े लिखे आदमी थे। तो जब उनको बाहर धकेला अंग्रेजों ने, तो उनके मन में एक ख्याल आया था कि जब अंग्रेज एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति के साथ, जिसके पास टिकट है, उसके साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, तो गरीबों के साथ, असहाय और जो भी निरक्षर लोग हैं, उनके साथ ये लोग क्या ना करते हो। यदि आप कभी आजादी के बारे में साउथ अफ्रीका जाएं, मेरे को सौभाग्य मिला साउथ अफ्रीका जाने का, मैंने जोहेनेसबर्ग और केप टाउन वगैरह घूमा, एक ब्लूम फाउंटेन एक जगह है वहां भी गया था, साउथ अफ्रीका में मैंने एक दो जगह पढ़ाया भी है, तो वहां पे जो म्यूजियम है उसमें देखने को मिला कि अंग्रेजों ने जिस तरह से एक इंसान को ट्रीट किया है, वो मुझे लगता है हमारे समाज में हम लोग जानवर को भी ऐसा ट्रीट नहीं कर सकते। भारत में भी ऐसे किस्से मिलते हैं कि एक गरीब आदमी को रोटी दिखा के बोलते थे कि ये जो मेरे बूट पर मैंने थूका है, इस थूक को पहले तुम चाटो तब तुम्हें रोटी मिलेगी। ये अमानवीय व्यवहार, और आज अंग्रेज सिविक सेंस हमें सिखाते हैं, सिविलाइजेशन की बात करते हैं, नागरिकता का व्यवहार हमें सिखाते हैं, जो खुद कभी एक नागरिक नहीं रहे, जिन्होंने कभी मानव को मानव नहीं माना। गुलामी एक बात है, देखिए गुलाम बनाना एक बात है, लेकिन आपकी जो मानसिकता है अंग्रेजों की, वो बहुत कटु थी, बहुत खराब थी। उन्होंने अमानवीय व्यवहार किया, उस पूरी सत्ता जिसके अंडर 50 देश थे, उसके अगेंस्ट जाके महात्मा गांधी ने सोचा कि मैं इनको उखाड़ फेंकूंगा। ये विचार बहुत स्ट्रांग होता है, उखाड़ फेंका नहीं फेंका, ये बात की बात है। 32 साल वो जीवित ही रह गए, बड़ी बात है, 47 साल तो, मतलब सन 47 में हम आजाद हो गए। लेकिन सवाल ये है कि इतनी ऊर्जा मांझी में, इतनी ऊर्जा गांधी में, इतनी ऊर्जा कहां से आई? आप कहते हैं कि मांझी की पत्नी का देहांत हो गया, कहते हैं गांधी जी को अपमान हुआ, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ऐसी पत्नी का देहांत, या आज भी कोविड में कितने लोगों का देहांत हो रहा होगा, कितने परिवार अस्त व्यस्त हो गए। मैंने खुद सुना है कि पिता और बेटे की मृत्यु हो गई, या पिता और पत्नी की मृत्यु हो गई, या किसी के माँ बाप की मृत्यु हो गई, आज परिवार जो है आधे अधूरे रह गए, कहीं पे बच्चे चले गए, कहीं पिता चले गए, कहीं पे पत्नी चली गई, कहीं पे कुछ हो गया, ढेर सारे केस आपको मिलेंगे। आज हमारा समाज टूटा हुआ और बिखरा हुआ है। यदि ये कोविड खत्म भी हो गया तो उसके असर बड़े दूरगामी हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे भोपाल गैस कांड हुआ था। आगे चल के मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये परिवार संपूर्ण नहीं है, आज हमें उनकी मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी। मेरा ये सवाल है कि जब गांधी का अपमान हुआ, मांझी की पत्नी का देहांत हुआ, तो इस तरह तो बहुतों के साथ होता है। भाई आप ये देखिए, मैं भी लखनऊ से कानपुर के बीच में काफी यात्रा करता था, मेरा घर लखनऊ में था, लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद IIT कानपुर गया PhD करने के लिए, और तमाम मैं ट्रेन में 4.5 साल इधर से उधर ट्रेवल करता रहा, लोग बिना टिकट के भी ट्रेवल करते थे, बहुतों को TT उतार भी देता था, अगले दिन फिर चढ़ जाते थे, ढीठ हो चुके थे। तो ट्रेन से धक्का मारे जाने के बाद कौन मोटिवेट होता है, पत्नी के देहांत से कौन मोटिवेट होता है? क्या मोटिवेशन पत्नी के देहांत और ट्रेन से धक्का मारे जाने में? और यदि इतना आसान है तो ऐसा करते हैं कि हम लोग ये ट्रेनिंग बंद कर देते हैं और आप सबको मैं राजधानी ट्रेन में ले जाऊंगा और एक एक को धक्का मारूंगा, आपका मोटिवेशन आ जाएगा। सो इजी। शर्मा जी को भी रिक्वेस्ट करें, अपने सारे साइंटिस्ट को राजधानी में ट्रेवल कराइए विदाउट टिकट और धक्का मारिए, और अगले दिन से देखिए मोटिवेशन आ गया। Is it so easy? इतना सर, जो भी बात है वो देखने में आसान है लेकिन उतनी आसान नहीं है। जी ऐसा होता है साहब, क्या बोल रहे हैं? इसमें नेचुरल हर्ट जो होता है आदमी नेचुरल वे में, और जब मतलब ये है कि हर्ट अंदर से हो गया और उसने ये उसको लगा कि ये मैं कर सकता हूँ, वो उसने अपने आप को कैपेबल भी पाया उसमें, तो वो आदमी उसमें फिर लग जाता है करने के लिए। परंतु हमारे साथ में बड़ी बड़ी कैलेमिटीज हो जाती, पर हम हर्ट नहीं होते, जो हर्ट वास्तव में रियलिटी में होता है आदमी, जिसके कारण से आदमी को ये करने के लिए एक प्रेरणा मिलती है।
तो भटनागर साहब हम लोग क्यों ना आईआईटीज और आईआईएम्स में हर्ट करने की ही ट्रेनिंग लें, अब हम एक दूसरे को हर्ट करना सीखते हैं। वो सब आज से हम सब लोग एक दूसरे को हर्ट करेंगे जिससे हमें मोटिवेशन मिले। हर्ट से नहीं है, जुनून पैदा करना होता। ये कैसी रहेगी ये तेरी को? जुनून जुनून जो सब बदल जाता है ना, वही वही जो तरुण कुमार जी ने कहा ना कि जो हमारा कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो चीज कभी कभी चीज एकदम उठ खड़ी होती है, वो हम बाई ट्रेनिंग और बाई ये आर्टिफिशियल मूड रेस कभी नहीं ला सकते। वो एक अपने आप जो डेवलप हो जाती है, दैट मीन बिकॉज ऑफ द फॉर्च्यून और बैड नेचर से। तो परंतु ये नेचुरल होगी, ये आप उसको ट्रेनिंग नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन देखिए मैं बताकर साहब, दैट इज माय फील्ड, मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर ट्रेनिंग हो, इसके ऊपर बात हो, और यदि ट्रेनिंग नहीं होगी तो फिर मेरा तो आप मेरी रोजी रोटी ही छीन लेंगे आप उस मेरा तो रोजगार ही यही है। तो आगे बढ़ते एक में, हाँ सॉरी कुछ बोल रहे। नहीं, ये मोटिवेशन की बात अलग है कि हम थोड़ा ऊपर लेवल के ऊपर जो हम आप काम अभी कर रहे हैं उसको थोड़ा सा बेटरमेंट थ्रू मोटिवेशन हम कर सकते हैं। परंतु नई चीज, अब जैसे साइंस के अंदर कहते हैं इनोवेशन, कोई इनोवेशन रिसर्च से नहीं आ सकता। इनोवेशन अपने आप आता है और एक सिस्टमेटिक रिसर्च के द्वारा हम जो ऑलरेडी इनोवेटेड चीजें हैं या जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश चीजें हैं उसको रिफाइन करके हाउ टू यूज इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मैनकाइंड, उसके लिए हम बेटर कर सकते हैं थ्रू रिसर्च। बिल्कुल, वैसे ट्रेनिंग और यहीं पे यही 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 सवाल का जवाब ही तो ढूंढना है आज हमें कि आखिर हम कैसे बेटर कर सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा था यहाँ, कबीर खान का एक पात्र शाहरुख खान ने निभाया था चक दे इंडिया मूवी में, बहुत लोगों ने दी होगी, और उन्होंने एक ऐसी हॉकी टीम को, भारतीय महिला हॉकी टीम को वर्ल्ड कप दिलाया जो कभी सपने में भी नहीं सोचा जा सकता था। और उसका दोस्त जब उसका चयन हुआ कोच के पद पर, तो उसने कहा उसके दोस्त ने कि कबीर ऐसा मत करो, ये बिल्कुल कब्रगाह है, तुम्हारी ऑलरेडी बदनामी बहुत हो चुकी है। क्योंकि कबीर खान को भारतीय टीम से निकाला गया था, एक मैच हुआ था भारत पाकिस्तान का जो 1-0 से भारत हार गई थी, और कबीर को उसका दोषारोपण हुआ था कि एक शायद उसने जान पूछ के ये मैच भारत को हराया है, और न्यूज में आया कि ऐसे लोग गद्दार हैं, ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए था, तमाम गंदी बातें हुई, उसके घर के आगे किसी ने गद्दार लिख दिया था, 6 साल 7 महीने 13 दिन उसने इंतजार किया एक कोच पद का, और फिर परिवर्तन की एक यात्रा शुरू की भारतीय हॉकी महिला हॉकी टीम की, और अंत में उसने बहुत ऊंच नीच सही, उसके बाद उस महिला टीम को स्वर्ण पदक और गोल्ड मेडल कहिए या वर्ल्ड कप दिलाया, और इस बीच में बहुत सारे परिवर्तन की यात्रा उसमें दिखाई गई है। अपने आप में एक बेहतरीन मूवी है जिसको दिखा के आप काफी कुछ सीख सकते हैं, उसकी चर्चा कर सकते हैं। और कबीर खान का कहना था वही तो करना है जो नहीं हो सकता, साइंटिफिक वर्ल्ड में क्या ये बात सही नहीं है? वही तो करना है जो नहीं हो सकता, जो पहले हो चुका है उसको करके हम क्या कर लेंगे। अहिंसा से कभी युद्ध नहीं जीतेगा, यही तो गांधी जी ने किया कि अहिंसा को युद्ध का औजार बना लिया, छेनी और हथौड़ी से पहाड़ नहीं तोड़े जा सके, लेकिन मांझी ने वो करके दिखाया। एक साइंटिस्ट, एक लीडर का क्या काम है, वो करना है जो कभी पहले नहीं हुआ। यू गॉट मी? मोटिवेशन किस चीज के लिए होना चाहिए? जो कभी पहले नहीं हुआ वही तो करना है, और लीडर वही काम करता है। लेकिन सबसे पहला नियम, क्या वो मोटिवेटेड है? ये आसान नहीं है। तो इस सवाल के जवाब में मैं आपसे ये चाहता हूं कि इस पे गौर करें आप लोग, कि यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि एबिलिटी और कॉम्पिटेंस की बात कर रहे हैं। वॉज गांधी ए ट्रेंड फ्रीडम फाइटर? वॉज मांझी ए ट्रेंड सिविल इंजीनियर? हैड कबीर लेड ए टीम एज ए कोच बिफोर? तो क्या ऐसी बात है कि उन्होंने अपने मतलब जो काम पहले नहीं किया था, यानी कि गांधी ने कोई देशों को आजाद कराने की ट्रेनिंग नहीं हुई थी, मांझी की भी कोई पहाड़ तोड़ने की कोई ट्रेनिंग नहीं हुई थी,
कबीर खान की भी कोई वुमेन हॉकी टीम को गोल्ड मेडल दिलाने की ट्रेनिंग नहीं थी। तीनों ने एक ऐसा काम किया जो पास्ट में उन्होंने नहीं किया था, उनकी काबिलियत शायद कुछ और थी, अपनी काबिलियत के बियॉन्ड जाके किया। तो क्या ऐसी चीजें हैं जिससे मांझी ने 22 साल, गांधी ने 32 साल और कबीर खान ने हॉकी टीम को वर्ल्ड कप दिलाया, इतनी ऊर्जा उनको कहां से आई, ये ऊर्जा का स्रोत क्या है, ये ऊर्जा कहां से आई आती है, क्या हम इस तरह की ऊर्जा अपने जीवन में धारण कर सकते हैं? तो यहां पर ये जो हमारा आज का सब्जेक्ट है मोटिवेशन, उसको समझना पड़ेगा। मोटिवेशन के देखिए चार तत्व हैं, इसको समझिएगा। मोटिवेशन में चार बातें की जाती है, पहला किसी गोल का होना, लक्ष्य का होना, रिजल्ट ओरिएंटेशन होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, लक्ष्य जब भी आप कोई साधते हैं तो रुकावटें आती हैं, अड़चने आती हैं और वो आसान नहीं है, तो वी हैव टू ओवरकम विद दोस फेलियर्स। जब भी हमारे को फेल होंगे तो निगेटिविटी आती है, मायूसी आती है, डिप्रेशन आता है, एंजाइटी आती है, तनाव आता है, मन में डर का भाव भी आता है, डर का भाव भी आता है। तो क्या हम निरंतर प्रयास कर सकते हैं इन सब के बावजूद भी? निरंतरता, सवाल यह नहीं है कि लक्ष्य है या नहीं, सवाल यह है कि लक्ष्य को हम निरंतर प्रयासों के तहत भेज सकते हैं। यानी कि लक्ष्य तो है पहाड़ तोड़ना, लेकिन क्या मैं नित्य नियम से 2 घंटे 4 घंटे पहाड़ तोड़ने का काम करता हूं? क्या मैं नित्य प्रति प्रयास करता हूं कि नहीं? क्योंकि रास्ते में रुकावटें तो आएंगी आएंगे। आप लोगों ने कभी अटल बिहारी जी की एक कविता सुनी होगी, रास्ते में धूप तो होगी ही, चल सको तो चलो, ये वाला कुछ उन्होंने संसद में बोला था, करेक्ट? बहुत सुंदर कविता है कि जब भी आप लक्ष्य साधना चाहेंगे तो लक्ष्य साधना कोई आसान काम नहीं है, प्रयास करना बहुत जरूरी है। प्रयासरत हम कैसे रहें? रिजिलियंस, जब फेल हो जाएं तो हाउ टू बाउंस बैक। मोटिवेशन में ये चार बातें हैं, गोल सेटिंग, परसिस्टेंट एफर्ट्स, ओवरकमिंग फेलियर एंड रिजिलियंस। ये चार बातें जब तक पूरी नहीं होती तब तक हम उस व्यक्ति को मोटिवेटेड नहीं मानेंगे। सवाल यह है यहां पर, बहुत बड़ा सवाल, आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो कि किसी इंस्टीट्यूशन को, व्यक्ति को, किसी देश को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने से, बड़ा काम करने से रोक देता है? Why successful company or individual decline from the top position? दूसरा, तीसरा सवाल है यहां, How mindset of a leader and non-leader can be differentiated? देखिए, आप मोटिवेशन को यदि बेस बना ले तो लीडर और नॉन लीडर में क्या फर्क है मोटिवेशनल पर्सपेक्टिव में? और चौथा सवाल है, व्हाट आर द सस्टेनेबल सोर्सेस ऑफ मोटिवेशन फॉर लीडरशिप टू ट्रांसफॉर्म? आखिर गांधी, मांझी और कबीर खान में ऐसा क्या विचित्र था जो हम में नहीं? अर्जुन, बल्कि मैं महाभारत का एक पात्र है अर्जुन, अर्जुन की भी बहुत तारीफ करता हूं कि अर्जुन एक विचित्र था, पांचों पांडवों में बहुत ही विचित्र प्राणी था। आखिर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों चुना? कर्ण उतना ही काबिल था, कर्ण भी बहुत काबिल था, लेकिन अर्जुन को ही क्यों भगवान कृष्ण ने चुना? यदि काबिलियत के बेसिस की बात करें तो बाली जो है सुग्रीव से ज्यादा श्रेष्ठ योद्धा था, लेकिन भगवान राम ने बाली का चुनाव नहीं किया, बाली को छोड़ के उसने सुग्रीव को अपनी पार्टी में लिया। क्यों? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को चुना, क्यों भगवान राम ने सुग्रीव को चुना? जबकि काबिलियत बाली में ज्यादा थी, जबकि काबिलियत कर्ण में ज्यादा थी, ऐसा क्यों होता है? तो यहां पर हम लोग जो इन सवालों का जवाब देख रहे हैं, यही इस सेशन की ऑब्जेक्टिव है। यदि आपका कोई विचार हो इस समय पे वो रख ले, बाकी आपकी थोड़ी सी यहाँ यात्रा को विराम में दे सकता हूं 1 मिनट का। यदि आपका कोई सवाल हो, ऑब्जर्वेशन हो, कोई मन के भाव हो, वो कर सकते हैं। मुझे कोई जल्दी नहीं है, जितनी बात मैंने की है उतने में भी सेशन पर्याप्त है। सर, मैं एक बात कहना चाह रहा था। जी सर, प्लीज बोलू सर। हाँ जी बोलिए, मैं देख पा रहा हूँ वर्मा जी। जी जी सर, इधर जो
बातें जो प्रश्न आपने उठाया उसके उत्तर में मैंने ये दो पंक्तियां सोची थी, उसको लिपिबद्ध करके तुरंत आपको सुनाना चाहता हूं। सुनाइए सर, सुनाइए। वेदयम तु परम ज्ञानम। जी, लर्न करना परम ज्ञान है। जब हम सीखते हैं तो ज्ञान परम ज्ञान तक हम जा सकते हैं। वेदयम तु परम ज्ञानम अवेदयम विज्ञानम ध्रुवम। लेकिन अवेद हम नहीं सीखते हैं, अनलर्न करना हम नहीं सीखते हैं, कोई नहीं सीखता है। जो अनलर्न करना वेद के साथ सीख जाता है उसका संकल्प दृढ़ हो जाता है, वो निश्चित ही किसी भी टारगेट को प्राप्त कर सकता है। तो वेदयम तु परम ज्ञानम अवेदयम विज्ञानम ध्रुवम संकल्पयति यो अवेदम। जो अवेद को भी संकल्पित कर लेता, अनलर्न करने को के लिए तैयार हो जाता है, सारा जो उसने अनुभूतियां संचय कर रखा अपने जीवन के कार्यकाल में, एक से एक अनुभूतियां, उनका भी परित्याग करने के लिए जो तैयार हो जाता है, असंभवति संभवति क्षणे, वो क्षण भर में जो असंभव हो उसको संभव कर सकता है। तो मेरा ये एक निवेदन था, बाद में कुछ और पंक्तियां हैं, बाद में बोलूंगा सर। वर्मा जी, आपने मेरा काम बड़ा आसान कर दिया, क्योंकि जो आपने लर्निंग टू अनलर्न की बात की, आपको आज के मेरे प्रेजेंटेशन में भी ये भाव मिलेगा सुनने को। जी, तो बहुत बढ़िया बात आपने कही और बिल्कुल मेरे अनुसार तो बिल्कुल सत्य है। तो इसको हम लोग सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे ये सवाल कर रहा था कि मांझी गांधी और कबीर खान बनने से ऐसी कौन सी बातें जो हमें रोक देती है, उसका जवाब देने के लिए मैं साइकोलॉजी की फील्ड में एक थी है, इसका नाम है क्लासिक कंडीशनिंग थ्योरी। आप भी साइंटिस्ट हैं, आप में से बहुत सारे लोग, कभी आपने पेवलव का एक्सपेरिमेंट सुना होगा जिसमें कि वो घंटी बजा के खाना देता था और जैसे ही घंटी बजती थी तो उसके मुंह में लार आ जाती थी चाहे वो खाना ना आए। कुछ समय बाद ये हो गया। तो जो घंटी है वो खाने का नेचुरल स्टिमुलस नहीं है, वो तो खाना हो गया, लार स्लाइवा के लिए खाना होना जरूरी है, लेकिन बिना खाने के घंटी बजने से स्लाइवा आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, कंडीशनिंग हो गई, अनुबंधन बोलते हैं इसको। जीवन में क्या होता है कि जब हम अपने वर्क प्लेस को ज्वाइन करते हैं तो एक नौकरी की तलाश के लिए ज्वाइन करते हैं, लेकिन फिर हम नौकरी नहीं करते, बस जीवन यापन करते हैं। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है और मन में भ्रम ये रहता है कि हम बड़ा काम कर रहे हैं। हम बहुत सारे भ्रम अपने आगे पाल लेते हैं और इस भ्रम में बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े देश निपट गए। विश्वास करिएगा, भ्रम इंसान के लिए अच्छी चीज नहीं है। आप में से काफी लोग राजेश खन्ना को पहचानते होंगे, जानते होंगे, उसकी पिक्चरें देखी होंगी। राजेश खन्ना बहुत जबरदस्त एक्टर था, लेकिन वो भी एक भ्रम में जीने लगा था कि उससे बड़ा कोई नहीं है। अपने को बड़ा मानना अच्छी बात है, लेकिन अपने से बड़ा किसी और को ना मानना ये अच्छी बात नहीं। अपने को श्रेष्ठ मानना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन और कोई श्रेष्ठ नहीं है ये नहीं मानना। ये कंडीशनिंग हमारे साथ हो जाती है, जो कि रावण और दुर्योधन के साथ भी हुई थी। वैसे तो उसका असली नाम सुयोधन था, ये बाद में लोगों ने महाभारत जो भी लिखने वाले थे सुयोधन का दुर्योधन बना दिया, सुशासन का दुशासन बना दिया, तो ये अपभ्रंश पैदा हुए केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने से श्रेष्ठ किसी को नहीं माना। और जबकि मेरी नजर में श्रेष्ठ वही है जो दूसरे को भी श्रेष्ठ माने। अब यहां पर मैं इस थ्योरी के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि क्या होता है कि इसको हम कंडीशनिंग बोलते हैं, माइंड की कंडीशनिंग हो जाती है जिससे हम प्रयास करना बंद कर देते हैं। इसको मैं डक सिंड्रोम बोलता हूं। मैं डेनमार्क एक जगह है, एक देश है, वहां पर 2 साल के लिए पोस्ट डॉक करने गया था, पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप, और मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप के एरिया में अपनी पोस्ट डॉक की थी। ये मेरी यूनिवर्सिटी में ऑरहुस यूनिवर्सिटी नाम है, ऑरहुस। तो ऑरहुस में यूनिवर्सिटी के अंदर एक झील थी, मैं वहां से गुजरता था तो वहां देखा कि डक क्या करती है कि पानी में जाती है, कीड़े खाती है, और जब पर्याप्त मात्रा में कीड़े खा लेती थी तो वो बाहर आके सुस्ताती थी। तो मैंने अपने जीवन में देखा कि बहुत सारे इम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशंस में, संस्थाओं में, लेबोरेटरीज में इस डक की तरह हैं। महीने के अंत में जो उसको सैलरी मिलती है वो कीड़े मकोड़े हैं,
बाकी 29 दिन वो डक आराम करते हैं। जीवन यापन के लिए जो सैलरी मिल रही है वो इतनी पर्याप्त है कि कम से कम काम में जीवन निर्वाह हो जाता है, तो अधिक काम क्यों करेगा भाई कोई बताइए। मेरा सवाल बहुत बड़ा सवाल है कि हम अधिक काम क्यों करें जब कम काम करने से जीवन निर्वाह हो रहा है। तो कम से कम काम में जब जीवन चल जाए तो मैं अधिक काम क्यों करूं? इसका जवाब किसी के पास है? क्या ये आसान है अधिक काम करना? इसीलिए इसको बोलते हैं कंडीशनिंग। जब नौकरी नहीं होती तो नौकरी करने के प्रयास करते हैं, और जब नौकरी मिल जाती है तो इस बात के प्रयास करते हैं कि कम से कम काम में जीवन चल जाए, और बल्कि मेरा काम भी दूसरा ही कर ले, लेकिन भाई सैलरी मुझे देते। यू एग्री विद दिस? ऐसा होता है कि नहीं जीवन में भटनागर साहब, ऐसा होता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर, होता है ऐसे ही। एक्चुअली जो एक बार लॉ है, लॉ पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, जी आदमी अपना मैक्सिमम बेनिफिट चाहता है थ्रू लीस्ट एफर्ट्स, जो कम से कम काम में ज्यादा ज्यादा जो पा सकता है वो कोशिश आदमी के एक नेचुरल टेंडेंसी है। ये सभी की नहीं होती है पर नेचुरल टेंडेंसी इन जनरल होती है, लेकिन जिनकी नहीं होती वो विरले होते हैं। जी वो सही है। तो इसमें मैं आपसे ये जो मॉडल है वो शेयर कर रहा था, आपके स्क्रीन पर है, परफॉर्मेंस और टेन्योर। देखिए समय के साथ क्या होता है, मान लीजिए ICAR ने साइंटिस्ट का सिलेक्शन किया, आप लोगों ने अपना बैचलर किया, मास्टर्स किया, कुछ लोगों ने PhD की, उसके बाद सन 2000 में 100 साइंटिस्ट का सिलेक्शन किया मान लीजिए ICAR ने, तो क्या होगा कि ये 100 के 100 साइंटिस्ट क्या पर्याप्त मोटिवेटेड होंगे? क्या सबका परफॉर्मेंस एक सा होगा? ऐसा मानना तो गलत होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि 100 में से कुछ बी कैटेगरी के होंगे, कुछ ए, कुछ सी और कुछ बी। इसमें से जो ए वाले हैं वो लोग हैं जो कि मेहनती हैं और अपनी काबिलियत का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, और जो उनके सीनियर साइंटिस्ट उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं वैसा वो करते हैं और रिजल्ट देते हैं, समय समय पर उनको इनाम मिलता है, प्रमोशन मिलता है। बी कैटेगरी के लोग वो हैं जिनको एक सरकारी नौकरी की तलाश थी और भगवान की दया से, भगवान विष्णु की उनके ऊपर असीम अनुकंपा हुई कि जिनको एक अच्छा पद मिल गया, और पद मिलने के बाद ये तो कभी किसी ने कहा ही नहीं कि वहां काम भी करना पड़ेगा। IIM कलकत्ता में एक केस हुआ, किसी ने मुझे जानकारी दी, ये कितना सत्य है मुझे पता नहीं, एक प्रोफेसर साहब का IIM कलकत्ता में सिलेक्शन हुआ और उसमें लिखा था कि यू आर अपॉइंटेड एज प्रोफेसर इन IIM कलकत्ता, ये आपकी पर्क्स, ये सैलरी, ये ऑफिस, ये घर होगा। तो वो वहां पे काम क्या करने लगे, रहने लगे। 2-3 महीने बाद उनकी क्लास थी, डायरेक्टर का नोटिस आया कि भैया आप अपनी क्लास क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? तो कहने लगे आपके अपॉइंटमेंट लेटर में कहां लिखा है कि क्लास भी पढ़ाना होगा, आपने तो लिखा है सैलरी मिलेगी, घर मिलेगा, ऑफिस मिलेगा, इसमें तो ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो ये कौन कहता है कि नौकरी मिलने के बाद काम भी इतना करना पड़ेगा? कितना करना पड़ेगा पता नहीं, कौन कितना करेगा ये पता नहीं। तो ये कुछ लेजी टाइप के लोग भी होते हैं जो कम से कम काम में, इनका व्यवहार क्या होता है कि ये थोड़ा सा चुपचाप रहते हैं, सुबह 10 बजे आ जाएंगे, अपने कॉर्नर में बैठ जाएंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, समय पे लंच कर लेंगे, समय पे चाय पी लेंगे, समय पे अपने घर चले जाएंगे, कोई यदि उनको काम देगा तो मना भी नहीं करेंगे लेकिन करेंगे भी नहीं। इतने बढ़िया, इतने सज्जन लोग आपको कहीं नहीं मिलेंगे, बी कैटेगरी के लोग। ऐसे लोग देखे हैं बुंदेला साहब, कभी ऐसे लोग देखे हैं? नहीं, ऐसे तो सब जगह पाए जाते हैं, पाए जाते हैं ऐसे सब लोग। अच्छा, काम भी नहीं करेंगे, मना भी नहीं करेंगे, और इनका व्यवहार ये होता है यस सर जी सर हो जाएगा सर, लेकिन सर कभी होता नहीं उनका काम। तीसरी कैटेगरी है सी कैटेगरी, जो काम तो नहीं करते लेकिन दिखते काम करते हुए, जैसे वो डिस्कस ज्यादा बॉस के सामने सबसे ज्यादा दिखाते हैं, इनको बोलते हैं इंप्रेशन मैनेजमेंट कैटेगरी। इनको भी इनाम मिल जाता है ए कैटेगरी की तरह। अब बचते हैं डी कैटेगरी के लोग, जो कि इस मॉडल में टॉप परफॉर्मर हैं, सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं, और कमाल की बात यह है इनको ही सबसे ज्यादा पनिशमेंट भी मिलता है।
ए को और सी को तो इनाम मिल गया, बी को पनिशमेंट मिलना चाहिए, उनको नहीं मिलता, और मिलता किसको है? डी को मिलता है। ये डी वाले कौन लोग होते हैं? ये कौन सा पगला ग्रुप है? ये कौन से सर फिरे लोग हैं? इमेजिन कर सकते हैं ये लोग कौन होते हैं? ये सर काम पे ज्यादा ध्यान देते हैं और चीजों पे नहीं देते हैं, तो इनको दिक्कत ज्यादा आती है। और कई बार ये भी नहीं सोचते कि बॉस को सलाह दे रहे हैं। अब बॉस को सलाह देना तो आसान काम नहीं है, तो वो खुल के बोल देते हैं अपनी बातें और बाद में उनका देश निकाला हो जाता है, हुक्का पानी बंद। जैन साहब आपने ठीक कहा, ये हर जगह से गालियां खाते हैं, घर वालों से भी खाते हैं, दफ्तर से, दफ्तर वालों से भी। शर्मा जी, वो नमक का दारोगा वो एक कहानी नहीं है मुंशी प्रेमचंद की? तो वो उसके पिता बोलते थे कि बेटा देख, जो सैलरी होती है वो तो आप अपनी मेहनत से कमाते हो, लेकिन ऊपर की कमाई ऊपर वाला देता, देख उसको मना मत करना। और उसने उसी को मना किया, उसकी नौकरी भी चली गई बेचारे की। बहुत सुंदर कहानी है नमक का दारोगा, आप लोग जरूर पढ़िए, प्रेमचंद साहब की है। सारी कहानियों में मोटिवेशन मिलेगा आपको, सारी कहानियों में, चाहे वो पंच परमेश्वर हो, हामिद का चिमटा हो, है ना, बहुत बढ़िया, पूस्त की एक रात हो, सारी कहानियां बहुत बढ़िया। तो ये जो चार कैटेगरी के लोग हैं, एक बात बताइए, इसमें मोटिवेशन किसको सिखाने की जरूरत है? इन चार में से किस कैटेगरी को मोटिवेशन और लीडरशिप सिखाया जाए? बस केवल ये चुनना है कौन सी कैटेगरी के लिए हम जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है। बी को, डी को, डी बोल रहे हैं आप लोग, डी? हाँ जी, बिल्कुल सही चुनाव है, एकदम सही, 100%। मेरा ये मानना है एज ए साइकोलॉजिस्ट, ए बी सी के लिए मैं नौकरी नहीं करता, मैं सिर्फ डी के लिए करता हूं। मेरी सेवाएं डी को ही समर्पित है, क्योंकि इनका मनोबल बचाए रखना बहुत जरूरी है। यदि ये बचे रहेंगे तो देश बचा रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन बचे रहेंगे। और जिस दिन यदि डी बी सी बन गया या बी बन गया या ए बन गया, उस दिन समाज का उद्धार होना बंद हो गया। ये वो लोग हैं जो बहुत बड़े रिस्क ले लेकर अपने जीवन के, अपने परिवार के काम करते हैं और अपना कम देखते हैं, दूसरे का ज्यादा देखते हैं। क्या आपको मांझी, गांधी, कबीर खान डी नहीं नजर आते? क्या अर्जुन डी नहीं है? कई बार मैं सोचता हूं, देखिए अर्जुन का एक बेटा है अभिमन्यु और भीम का एक बेटा था घटोत्कच। महाभारत के युद्ध में वो दोनों मर गए। ना तो वो कौरवों की तरह कोई गंदा काम किया, ना ही पांडवों की तरह उन्होंने कोई बड़ा काम किए थे, लड़ाई हुई, बेचारे मरे ये भी। इसका मतलब क्या हुआ? जब धर्म युद्ध होगा तो आहुति तो अच्छे लोगों की भी दे दी जाती है। ये मत सोचिएगा कि अच्छे लोगों को पुरस्कार मिलता है, ये कल्पना ही व्यर्थ है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अभिमन्यु का तो कोई अपराध नहीं था, घटोत्कच का तो कोई अपराध नहीं था, वो भी कहते थे पापा तुम अपनी अपनी निपटा, भैया हमें माफ करो। भीम से कह देते घटोत्कच के, नहीं मुझे क्यों बुलाया, आपका युद्ध आप जानो। अभिमन्यु भी मरा, घटोत्कच भी मरा और बहुत सारे बच्चे भी मरे उनके। अश्वत्थामा ने अंत में पांचों को मारा था, पांच बच्चों को ही मारा था। तो अच्छे लोग भी मरते हैं, बहुत लोगों का नुकसान भी होता है, लेकिन ये शायद पता नहीं एक ऐसी बनावट है, सामाजिक संरचना है कि कीमत तो दोनों पक्षों को देनी ही पड़ती है। सिर्फ कौरवों का थोड़ा नुकसान हुआ, नुकसान तो पांडवों का भी बहुत भारी हुआ था। तो डी कैटेगरी का बहुत बड़ा नुकसान भी होता है, लेकिन इनको बनाए रखना समाज के लिए बेहतरीन है, क्योंकि यही धर्म की स्थापना करते हैं। बाद में जनमेजय जो कि अभिमन्यु का बेटा था, उसने कई हजार साल राज किया। राजा परीक्षित और जनमेजय, सॉरी परीक्षित राजा, उनका बेटा परीक्षित था, परीक्षित का जनमेजय था। अब यहां पर सवाल ये होता है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि लोग इस तरह से प्रेरित नहीं होते? उसके लिए मैं आपको दो बातें बता रहा हूं। पहला कारण जो कि हम में कम है, या सॉरी हम जिनको कंट्रोल नहीं कर पाते जिन बातों को, दो बात है। एक,
सेंस ऑफ कंफर्ट और दूसरा है सेंस ऑफ फियर। हमें डर का भाव बहुत ज्यादा है, डर का। हम ऐसी ऐसी बातें करेंगे ना कि आप हैरान रह जाएंगे। जो परेशानी आपके जीवन में नहीं है उसको भी आपके जीवन में आप सोच सोच के ले आते हो। नहीं यार छोड़ो यार, कौन प्रमोशन लेगा, प्रमोशन होगा फिर बॉस की सुननी पड़ेगी, बॉस की सुननी पड़ेगी तो फिर मैं समय समय पे अपने घर जाता हूँ, वो नहीं जा पाऊंगा, अरे छोड़ो यार प्रमोशन। मेरे अपने सगे बड़े भाई हैं, उन्होंने ल्यूपिन नाम की एक कंपनी में नौकरी शुरू की थी 30 साल पहले, बनारस के पास एक जगह है गाजीपुर, वहां नौकरी करते हैं। उन्होंने मेडिकल रैप के तौर पे जॉब ज्वाइन की थी, आज तक प्रमोशन नहीं लिया। प्रमोशन लिया होता तो उनका ही दोस्त उसी पद से वीपी बन गया, उन्होंने नहीं लिया। क्यों? अरे यार छोड़ो। क्यों? क्योंकि अरे परेशानियां आएंगी, समय के साथ परेशानियां आ जाएंगी। यदि हम सब ऐसा ही करने लगे, आगे बढ़े और आगे बढ़ने के से जुड़ी हुई जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको निभाने में डरें तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे? तो जो डर का भाव है, असुरक्षा का भाव है, ये है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। दूसरा भाव है कॉम्प्लेसेंसी, जरूरत ही क्या है, अरे आगे बढ़ने की जरूरत ही क्या है, अच्छा खासा तो है, चल तो रहे ना भाई। तुम दिमाग बहुत लगाते हो। जैसे मान लो कोई बॉस है, बॉस तो अब आराम से जी रहा है, उसको तो अपनी सैलरी मिल रही है, अपना चल रहा है, जीवन सेटल हो चुका है पूरी तरह। अब कोई यंग एम्प्लॉई आता है, यंग साइंटिस्ट आता है, सर हम ऐसे नहीं, ऐसे कर सकते हैं, वैसे नहीं वैसे, यार तुम दिमाग बहुत लगाते हो, चैन से जीने नहीं देते। अब उसका सुख चैन खराब हो गया इसके आने से, अब उसको डांट फटकारता है। तो कॉम्प्लेसेंसी क्या है? किसी को काम करने की, मेहनत करने की जरूरत ही क्या है, ये कॉम्प्लेसेंसी। और हेल्पलेसनेस क्या है? काम करने से होने ही क्या वाला है, सैलरी तब भी उतनी मिलनी है, प्रमोशन फिर भी नहीं होना, पॉलिटिक्स फिर भी रहेगी, बॉस फिर भी डांटेगा, पत्नी फिर भी सम्मान नहीं करेगी, बच्चे फिर भी गालियां देंगे, तो इसमें काम क्यों करें? कोई मान मिलना नहीं है तो काम क्यों करें? ये जो डर है ना और ये जो कॉम्प्लेसेंसी है, ये कंडीशनिंग थ्योरी से निकले हुए हैं। और ये दो बातें हैं जिसकी वजह से ना केवल व्यक्ति का नाश होता है, ना केवल व्यक्ति बल्कि की ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन का भी नाश होता है, साथ ही साथ उस समाज का भी नाश होता है, देशों का भी नाश होता है। आप कितनी कंपनियां हैं जो एक समय श्रेष्ठ हुआ करती थी, बाद में वो खत्म हो गई, लाइक हिंदुस्तान मोटर्स। 1983 में हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर कार कितनी सफल थी, उसके बाद क्या हुआ, मारुति नाम की एक कार आई और उसने खत्म कर दिया एम्बेसडर। HMT कितनी अच्छी कंपनी हुआ करती थी, HMT खत्म हो गई। नोकिया, फिलिप्स, जीरोक्स, ये वो कंपनियां हैं, जनरल मोटर्स, कितनी कंपनियां आप लेंगे जो बहुत श्रेष्ठ कंपनियां हुआ करती थी, बाद में खत्म। कितने देश हैं जो श्रेष्ठ हुआ करते थे, भारत एक श्रेष्ठ देश था, क्या हालत में हम पहुंच चुके हैं इस देश की यदि आप हिस्ट्री देखेंगे तो। अनफॉर्चुनेटली लोग क्या है, महाभारत को या पुराणों को हिंदू धर्म शास्त्र मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, वो भारतवर्ष का इतिहास है, उसको धर्म शास्त्र मत मानिए, वो भारतवर्ष का इतिहास है और हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। उसमें राजाओं की कहानियां हैं बहुत सारे और बड़ी श्रेष्ठ कहानियां हैं इनमें। महाभारत तो कंपलसरी एक कोर्स होना चाहिए, हर हर जगह पर होना चाहिए। महाभारत से अच्छी कोई चीज आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। अब वो चीजें हम जिस देश में लिखी गई हूं, आज उस देश की हालत देखिए कहां तक पहुंच गया। रोम, रोमन एम्पायर, ग्रीस, ग्रीस देश की हालत देखिए कितने बड़े कर्ज में है, इटली की हालत देखिए, जो भी श्रेष्ठ देश थे वो कहां चले गए और नए देश आगे बढ़ गए। अमेरिका, अमेरिका का जुम्मा जुम्मा इतिहास कितना साल का है, 300 साल का इतिहास है। और आज देखिए चाइना, चाइना फिर भी एक ओल्ड सिविलाइजेशन है, फिर भी एक पावरफुल कंट्री है आज, लेकिन चाइना ने काफी तरक्की की और पास्ट में भी उनका एक इतिहास स्ट्रॉन्ग है। आगे क्या मैं नहीं कह सकता, लेकिन चाइना का भविष्य जरूर खराब है, इतना मेरे को फील होता है कि आगे आने वाले समय में वो जरूर संकट में आने वाला है। लेकिन कौन व्यक्ति हमेशा सफल रहेगा, कौन व्यक्ति हमेशा फेल रहेगा, ऐसा कहना व्यर्थ है। जो आज सफल है कल असफल है, जो आज असफल है वो कल सफल है, ऐसा चलता रहेगा। लेकिन याद रखिएगा, सफल वही होता है जो प्रयास करता है। मैं आपको ये जो बात है फियर और कंफर्ट, इसको लेके एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझने का प्रयास करिएगा।
कि ये ऐसा है जैसे कि किसी बैट्समैन को तीन बॉल पे तीन बैट्समैन को तीन बॉल करिए और वो तीन बॉल पे तीन छक्के मार दे, तो बॉलर का माइंडसेट क्या होगा? तीन बॉल में तीन छक्के खाने के बाद बॉलर का माइंडसेट क्या होगा? वो है फियर, यहां वो है हेल्पलेसनेस, डर का भाव, असुरक्षा का भाव। बॉलर ये सोचेगा कहीं मेरी चौथी बॉल पे छक्का ना पड़ जाए। अभी तीन बॉल पहले उसने नॉर्मल माइंडसेट के साथ काम शुरू किया था, तीन छक्के खाने के बाद अचानक से उसमें डर का भाव आ गया और वो प्रयास समुचित प्रयास नहीं कर पाए। यहां पे लीडरशिप क्या हुई? उन तीन छक्कों को खाने के बाद भूल जाओ और फिर से प्रयास करो, चौथी बॉल फिर से फेंको और पूरे मनोबल से फेंको। ये लीडरशिप है, ये मोटिवेशन। उसी तरह तीन बॉल पे तीन छक्के मारने के बाद चौथी बॉल पे एक बैट्समैन भी आउट हो सकता है, वो कॉम्प्लेसेंसी है, वो कंफर्ट है, उससे निकलना पड़ेगा अपने इनिंग, वरना टीम हार जाएगी। उसी तरह 100 रन बनाने से पहले, 100 रन बनाने के बाद क्या होता है? 90 से 100 के बीच में और 100 से 110 के बीच में क्या होता है? 90 से 100 के बीच में अक्सर क्या होता है? नर्वस 90s बोलते हैं कि नहीं? और 100 से 110 के बीच में क्या होता है? कॉम्प्लेसेंसी होती है, अरे अब तो बन ही गई। एक है कैसे बनेगी, कैसे बनेगी, दूसरा होता है अब तो बन गई। तो एक बार डर से आउट हो जाता है, एक बार कंफर्ट से आउट हो जाता है। ये माइंडसेट है, ये बहुत बड़ी माइंडसेट है। पहले तो नौकरी नहीं लगी तो मेहनत कर रहा है, और जैसी नौकरी लगती है मेहनत करना बंद कर देता है। और लोग कहां पर देखने लगते? एंटाइटलमेंट। एक कंपनी है पेट्रोनेट एलएनजी, वहां मेरे एक दोस्त है मिस्टर चोपड़ा, वो वाइस प्रेसिडेंट थे, तो कहने लगे सर जब भी जीटीज आते हैं ना, ग्रेजुएट ट्रेनीज बोलते हैं, तो एक साल तो उनकी ट्रेनिंग चलती है, और पहले तो ट्रेनिंग में तो कोई कुछ नहीं पूछता, जैसे ही उनकी पोस्टिंग होती है तो कहते सर वो आप कह रहे थे ऑफिस मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा, ये मिलेगा, वो कब तक मिलेगा सर? ये कोई नहीं सवाल करता कि सर हमारी जिम्मेदारियां क्या होंगी। मैंने देखा है समाज कैसा है। माँ बाप भी कहते हैं बेटा आईएएस बन जाओ, कोई कहता है बेटा डॉक्टर बन जाओ, कोई कहता है इंजीनियर बन जाओ, लेकिन कोई माँ बाप ये नहीं कहता कि डॉक्टर इंजीनियर और आईएएस बनने के बाद जिम्मेदारी क्या होगी, जीवन कितना कठिन होने जा रहा है ये बनने के बाद। आप बताइए, इतने सारे पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, क्या हम बच्चों को ये बताते हैं कि ये आईएएस बनना कितना कठिन काम है, मिनिस्ट्रीज में काम करना कितना कठिन है, डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट बनना कितनी जिम्मेदारी का काम है? कोई नहीं बताता, बस ये बन जाओ। हर आदमी कहता बस बन जाओ, बेटा भी बन गया, अब क्या करूं, मैंने ये तो बताया ही नहीं था आगे क्या करना है, तो वो आराम की जिंदगी गुजारने लगता है। और सारे एंटाइटलमेंट जितने होते हैं, कौन से पार्क्स, कौन सा एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट, CLTL, DLPL, सब पता होते हैं उसको। नौकरी पता हो या ना पता हो, उसको सारे अधिकार मालूम, कौन सी चीज कब मिलनी चाहिए, कब प्रमोशन होना चाहिए। ये माइंडसेट है कंप्लेसेंसी, कंफर्ट का माइंडसेट। आप ये देखिए, इसके मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं। दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस ने काफी साल राज किया और दोनों बड़ी पार्टियों को हरा कर आप नाम की एक पार्टी आज राज कर रही है, किसी ने सोचा था? एक समय बीजेपी की संसद में 2 सीटें होती थी, आज उसी बीजेपी की 300 से ज्यादा सीट है। एक कांग्रेस की करीब 400 तक सीटें गई हैं राजीव गांधी के समय पे, शायद मेरे ख्याल से 1984-85 में, और आज उस कांग्रेस की शायद कितनी सीट है, 40-45-50 सीट है। गाजियाबाद इतना अच्छा शहर होता था, आज गाजियाबाद की हालत देखिए। गुड़गांव एक छोटा सा शहर होता था, बस माता का मंदिर यहाँ होता था, शीतला माता मंदिर, आज ये बताइए दुनिया की सबसे श्रेष्ठ कंपनियां यहां मिलेंगी, एक बहुत मिलेनियम सिटी है आज गुड़गांव। आप गुड़गांव में आके यदि रहने लगेंगे तो लगेगा नहीं कि आप पेरिस से कम जगह पे रह रहे हैं, लगेगा आप पेरिस में आ गए, लगता है आप न्यूयॉर्क में आ गए। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, अच्छी सड़कें, अच्छा माहौल, बड़े बड़े क्लब। आप यहाँ पर आप गोल्फ कोर्स देखिए, DLF गोल्फ कोर्स, जहाँ के 3 बड़ी बड़ी झीलें तो गोल्फ कोर्स में बनी हुई है, 600 एकड़ का गोल्फ कोर्स है वहां। इतना अच्छा शहर बन गया है आज गुड़गांव। तो ये कौन गारंटी देता है कि जो कल तक अच्छा नहीं था वो अच्छा नहीं बनेगा, या कल तक जो अच्छा था वो हमेशा अच्छा बना रहेगा? ऐसी कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। वही गारंटी देगा जो प्रयासरत है, यही मैं फिर से कह रहा हूं, जो मोटिवेटेड है, जो हार में हार नहीं मानता, जीत को जीत नहीं मानता, बस वो तो अपना काम करता रहता है।
इसी बात को समझने के लिए अब मैं आपसे क्या क्वेश्चन का जवाब दूंगा कि यहां पर व्हाट इज द माइंडसेट ऑफ लीडर। तीसरा सवाल यदि आप देखें हाउ द माइंडसेट ऑफ लीडर एंड नॉन लीडर कैन बी डिफरेंशिएटेड। तो एक लीडर और नॉन लीडर का माइंडसेट क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। और जो अभी वर्मा जी ने भी बोला था ये भी आपको यहां पर कहीं ना कहीं मिलेगा। तो जो लीडर का माइंडसेट होता है उसके चार फीचर होते हैं। पहला है लर्निंग टू अनलर्न, दूसरा है रिस्क टेकिंग, तीसरा है सिंप्लिसिटी और चौथा है ऑप्टिमिज्म। लर्निंग टू अनलर्न का मतलब यह हुआ कि मैंने तीन बॉल पे तीन छक्के खाए हैं ये भूल जाएं और फिर से शुरू से प्रयास करें। ऐसा सोचें कि जैसे कि नया ओवर शुरू हुआ हो, या मैंने तीन बॉल पे तीन छक्के मारे हैं ऐसा मत सोचिए। ऐसा सोचिए कि जैसे कि मुझे तो अभी पांच दिन का मैच खेलना है, अभी मुझे पिच पे टिके रहना है, यहां पर अपनी टीम को मजबूती देनी है। रिस्क टेकिंग, अब अनलर्निंग के ऊपर मैं आपसे एक यहां पर स्टोरी शेयर करूंगा एक एक में थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए आपसे एक दो बातें करूंगा। जैसे प्लेटो का नाम सबने सुना होगा, प्लेटो किसके शिष्य थे? तीन नाम लिए जाते हैं, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल एंड प्लेटो, ऐसा कुछ होता है यार। तो प्लेटो के पास, हाँ जी कोई बोलने जा रहा था क्या? नहीं। तो प्लेटो के पास लोग अपनी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए आते थे। एक बार कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि आप हमारी समस्या का निदान करिए। तो प्लेटो ने पूछा कि आपकी समस्या है, आप ही बताइए कि आपकी समस्या का क्या समाधान होना चाहिए। देखिए ये बॉस का काम है जो प्लेटो कर रहा है। तो लोगों ने कहा, अरे प्लेटो ने हमसे सवाल किया है कि हमारी समस्या का क्या समाधान हो। तो लोगों ने बढ़ चढ़ के अपनी समस्या का समाधान बताया। प्लेटो ने ध्यान पूर्वक सुना, आधे घंटे तक बातचीत हुई, लोग अपनी समस्या का समाधान लेके वहां से चले गए, लेकिन प्लेटो ने कुछ नहीं बोला। उनके शिष्य वहीं खड़े थे तो शिष्यों ने कहा कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे कि आपके पास तो समस्या का कोई समाधान ही नहीं था, उन्हीं की समस्या थी, आपने उन्हीं से समाधान पूछा और कहा आप चले जाइए। तो प्लेटो ने दो बात कही, कहने लगे कि आई डू नॉट वॉन्ट टू लिव इन टू इल्यूजन, मैं दो भ्रम में नहीं जीना चाहता, एक कि मेरे पास सभी समस्याओं का समाधान है, मैं ऐसा नहीं सोचता, दो जिसकी समस्या है उसके पास समाधान नहीं है ऐसा मैं नहीं सोचता, जिसकी समस्या है उसके पास समाधान भी होगा, यही लीडर का काम है कि उसको वो प्रेरित करे और वो अपनी समस्या का समाधान खुद करे, ना कि आप दें। जब वो प्रयास करने के बावजूद भी ना कर पाए तो आप कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मदद जरूर करिए, ऐसा नहीं है सीनियर होने के नाते, लेकिन मोटिवेट करिए कि लोग अपनी समस्या का समाधान खुद करें, चाहे वो गलती ही क्यों ना करें, उनको गलती करने का भी मौका दीजिए। गलती करने से भी बहुत अच्छी बात है, कुछ ना करने से तो गलती करना ही अच्छा है। हाँ, एक गलती बार बार करते रहना अच्छा नहीं। तो ये जो बात मैं कह रहा था कि लर्निंग टू अनलर्न, हमें क्या करना है, मैं श्रेष्ठ हूं ये मानना अच्छी बात है, मैं ही श्रेष्ठ हूं ये मानना गलत बात है। अनलर्न करिए, प्रयास करिए, यदि आपको लगातार श्रेष्ठ बने रहना है तो लगातार प्रयास करते रहने पड़ेंगे। ऐसा एक अच्छा लीडर ऐसा ही करता है। दशरथ मांझी और गांधी और कबीर खान में तीनों में ये पाया जाता है कि वो लगातार प्रयासरत रहे, अनलर्न करते रहे। कबीर खान एक प्लेयर था ना कि एक कोच, गांधी एक लॉयर थे ना कि फ्रीडम फाइटर, दशरथ मांझी एक लेबर था, मजदूर था, ना कि एक सिविल इंजीनियर। उन्होंने अपने नए माइंडसेट में जाके काम किया। आप पुराने माइंडसेट से नए काम नहीं कर सकते। आप जब भी प्रमोशन होता है तो प्रमोशन का मतलब है कि एक नया माइंडसेट डेवलप कर, तभी आप अच्छा काम करेंगे। दूसरी चीज जो लीडर्स में पाई जाती है वो है रिस्क टेकिंग। यहां पे रिस्क टेकिंग का मतलब ये है कि आप उचित को उचित बोले और अनुचित को अनुचित बोले। बहुत कम लोग हैं जीवन में जो उचित को उचित और अनुचित को अनुचित बोलते हैं। ज्यादातर तो लोग मुंह देखते रहते हैं कि बॉस किस बात से खुश होगा और वही बात बॉस को सुना देते हैं।
आप लोगों में से किसी ने एक बहुत ही भारत की हिस्ट्री में महाभारत में पाए जाते हैं वो राजा, उनका नाम है राजा शिबी। किसी ने नाम सुना है राजा शिबी का? वो एक श्रेष्ठ इंसान है मेरे लिए। मैंने जब से उनकी कहानियां सुनी तो गांधी और मांझी की तरह राजा शिबी की भी चर्चा करना मुझे अच्छा लगता है। किसी ने सुना है शिबी का नाम? नहीं। खाना बनाते थे वो जी, जिन्होंने सभी कौरव पांडवों की सेना के लिए खाना बनाया था? नहीं, राजा शिबी वो है जिन्होंने अपनी जांग से कबूतर की जान बचाने के लिए बाज को मांस दिया था, और वो वहां पर जो कबूतर थे और वो बाज थे वो इंद्रदेव और एक अग्निदेव या वरुण देव कोई थे, उन्होंने राजा शिबी की परीक्षा ली थी और वो शरणागत था जो कबूतर था, तो कबूतर की जान बचाने के लिए अपना शरीर काट काट के तराजू में रखा था कि कबूतर के वजन के बराबर मांस दिया था बाज को खाने के लिए। तो वो राजा शिबी हैं, बहुत बेहतरीन राजा हैं। उनकी एक और कहानी है कि वो समझिएगा कहानी सिंबॉलिक होती है यहाँ पे, है ना, सांकेतिक होती है ये। तो उनके पास एक ब्राह्मण देवता आए, ब्राह्मण का मतलब ब्रह्मा है, ईश्वर खुद आए और ईश्वर ने उनसे खुद कहा कि आप मुझे अपनी बेटे की चिता पर पकाया हुआ खाना परोसिए, अपने बेटे की चिता पर पकाया हुआ खाना परोसिए। राजा शिबी में जरा से भी तनिक से विचलित नहीं हुए, अपने बेटे को मार के उसको चिता पे जला के उसकी चिता पे खाना बनाया। और जब वो ऐसा कर रहे थे उस ब्राह्मण ने उनके महल के तमाम हिस्सों में आग भी लगा दी। कई उनके मंत्री आए, कहने लगे आप इस ब्राह्मण की क्यों बात मान रहे हैं, एक तरफ तो उसने आपके बेटे को मरवा दिया, दूसरी तरफ पूरे महल को आग लगा दी। राजा शिबी फिर भी विचलित नहीं हुए और जब खाना बन गया तो शिबी महाराज ने उस ब्राह्मण के आगे खाना परोसा और कहा कि प्रभु खाना तैयार है। उस ब्राह्मण ने कहा कि ये खाना मैंने अपने लिए नहीं बनवाया, आपको खाना है, अपने बेटे की चिता पर पकाया हुआ खाना राजा शिबी को खुद खाना था। और राजा शिबी ने जब एक कौर तोड़ा और अपने मुंह की तरफ ले जाने लगे तो ब्राह्मण देव फूट फूट के रोने लगे, कहने लगे कि एक राजा में इतने ब्राह्मण तत्व, ईश्वर तत्व मैंने आज तक नहीं देखा, आपसे बड़ा राजा इस धरती पर कभी नहीं हुआ। वो ब्राह्मण खुद भगवान थे और उन्होंने सब कुछ पहले जैसा कर दिया और वो वहां से राजा को आशीर्वाद दे के चले गए। जब मंत्रियों ने ये देखा तो पूछा कि प्रभु आपको पता था कि आपकी परीक्षा हो रही है? तो कहने लगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता था। तो कहने लगे फिर आपने इतना सब कुछ कैसे कर लिया? तो राजा शिबी ने जो जवाब दिया, आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा, जीवन भर आपके लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग होगी। राजा शिबी ने बोला दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो उचित और अनुचित का भेद करते हैं, और यदि कुछ लोग उचित और अनुचित का भेद कर भी लेते हैं तो बहुत ही कम लोग हैं जो उचित राह पर चल पाते हैं। बस मुझे उचित राह पर चलना अच्छा लगता है, जो उचित है वो करना मुझे अच्छा लगता है। मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं करता, मेरे जीवन का लक्ष्य यही है कि जीवन भर उचित करूं। क्या हम लोग उचित कर पाते हैं? वो रिस्क टेकिंग है, उचित करना ही सबसे बड़ी रिस्क टेकिंग है। तीसरा तत्व जो है लीडर्स में पाया जाता है वो है सिंप्लिसिटी, और चौथा है ऑप्टिमिज्म। सिंप्लिसिटी क्या चीज है उसके लिए मैं आपको मेजर ध्यानचंद जी के बारे में बताऊंगा, और ध्यानचंद जी भी कोई श्रेष्ठ व्यक्ति से कम नहीं है, और आपको पता होगा कि उनके नाम पर 101 गोल का रिकॉर्ड है, 101 हॉकी गोल का। तो इनफैक्ट हिटलर ने उनको अपनी सेना में जॉब ऑफर किया था और सैलरी जो भी चाहे वो ले लो कहा था। तो हिटलर को उन्होंने जवाब दिया था ध्यानचंद जी ने कि एक देश का कर्तव्य ये नहीं है कि वो अपने नागरिक को कितना आगे बढ़ाता है, एक नागरिक का कर्तव्य ये है कि वो अपने देश को आगे कितना बढ़ाता है। मैं अपने देश को कितना आगे बढ़ाता हूँ ये मेरा धर्म है, ना कि मेरे देश का धर्म है कि वो ध्यानचंद को कितना आगे बढ़ाता है।
और बाद में ध्यानचंद जी को सेना में बड़ा पद भी मिला, लेकिन ध्यानचंद एक बहुत ही सिंपल व्यक्तित्व वाले आदमी। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि गोल करना हॉकी का मैच जीतने के लिए जरूरी होता है, तो कई बार मैं एक गोल करता था, कई बार 10 गोल भी करता था, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हूं, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, आई एम ए सिंपल मैन। आपको काम श्रेष्ठ करने हैं, लेकिन यह सोचना है कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। लेट पीपल शुड से अबाउट यू कि आप एक ग्रेट आदमी हैं। क्या कभी आपने रजनीकांत को यह कहते हुए सुना है कि वो एक ग्रेट एक्टर है, वो एक महान कलाकार है? अमिताभ बच्चन ने ऐसा कहा? कहीं पे ऐसा कोटेशन मिलता है? कहीं पर सचिन तेंदुलकर ने ऐसा कहा कि वो एक ग्रेट आदमी है? नहीं, आप और मैं उसको ग्रेट बताते हैं। जिस दिन वो अपने को ग्रेट बोलने लगे, समझिए कि अहंकार आ गया, जैसा राजेश खन्ना के साथ हुआ। तो जो लीडर्स में सिंप्लिसिटी का एक तत्व पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं ह्यूमिलिटी, डाउन टू अर्थ एटीट्यूड। काम श्रेष्ठ करते रहिए, लेकिन जमीन से जुड़े रहिए, प्रभु के प्रति नतमस्तक रहिए, क्योंकि श्रेष्ठ आदमी से श्रेष्ठ काम कोई करारा होता है, वो खुद नहीं करता। चौथा तत्व है यहां पर, वो है, आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, ऑप्टिमिज्म। व्हाट इज ऑप्टिमिज्म? ऑप्टिमिज्म का यहां क्या मतलब हुआ? एक ऐसी सोच जिसमें कभी हार के लिए जगह नहीं है। किसी ने मुझसे कहा था, या तो हार होती है या तो जीत होती है। कभी या तो जीते हैं या कभी हारते हैं, लेकिन हार कर भी जो सीख जाता है उसको हम डरते हैं। आपने वो बाजीगर वाला कहानी सुनी है ना, बाजीगर जो जीत कर भी हार कर भी जीत जाए उसको बाजीगर बोलते हैं। तो साइंटिस्ट भी कुछ इसी तरह से होते हैं, जो हार कर ही जीतते हैं। आपने शायद, मेरे ख्याल से एक बड़ी अच्छी स्टोरी है जो कि एडिसन के बारे में है या न्यूटन के बारे में, अमेरिका में उसका एक बड़ा प्लांट था जहां पर वो प्रोड्यूस करता था इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एडिसन की स्टोरी है। और एक विस्फोट में उसका प्लांट का आधा हिस्सा पूरा जल गया और वो सारे डॉक्यूमेंट भी जल गए जो उसकी साइंटिफिक डिस्कवरी को डॉक्यूमेंट करते थे। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख प्रकाशित हुआ था, 1940 के दशक की बात है या 45 या 50 के आसपास की बात है, और एडिसन ने उस पत्र के माध्यम से लिखा, कल से मैं दोबारा से ये प्लांट बनाने की प्रक्रिया शुरू करूंगा, कल से फिर से मैं ये प्लांट को एस्टेब्लिश करने की प्रक्रिया शुरू करूंगा, दुख केवल आज के दिन भर रहेगा मेरा। आप दुख को लिमिट करना सीखिए, जो भी कोई दुख भरी बात है उसको समय में बांध दीजिए कि मैं आज 1 घंटे तक दुखी रहूंगा, बस 1 दिन तक दुखी रहूंगा या 1 सप्ताह तक, लेकिन जितने कम समय में अपने दुख को बांध देंगे उतने ही आप श्रेष्ठ होते चले जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इंसानी तत्व हैं, सभी में आएंगे, इनको लिमिट कर दीजिए बस। सारी वासनाएं हमारे अंदर मौजूद हैं, सारे दुर्गुण मौजूद हैं, लेकिन इनको बस लिमिट करना है, खत्म नहीं करना। खत्म तो हो ही नहीं सकते, उसके लिए तो संत बनना पड़ेगा, भगवान महावीर या बुद्ध बनना पड़ेगा, वो हम सब लोग ना बन पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा लिमिट लगा दीजिए तो अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्टिमिज्म क्या हुआ, वो ये कि ना हार को ना मानने वाला एटीट्यूड। और भगवान बुद्ध के साथ एक बड़ी जुड़ी हुई घटना है, उनके जीवन से जुड़ी हुई घटना है कि जब वो अपना महल छोड़ के ज्ञान की तलाश में निकले, 6 साल तक प्रयास करते रहे और वो फेल हो गए, और वो भी बड़े दुखी हुए कि मेरी ज्ञान प्राप्ति की यात्रा फेल हो गई। लेकिन जब वो दुखी मन से बैठे हुए थे एक पेड़ के नीचे, उन्होंने देखा कि एक तालाब में एक गिलहरी जाती है और वो डूब कर अपने शरीर को पानी में भिगोकर बाहर आती और हिला देती है, और वो लगातार ये प्रयास कर रही थी ऐसा कि वो तालाब को सुखा देगी। पास में एक किसान बैठा था, उससे पूछा, ये गिलहरी ऐसा क्यों कर रही है?
तो किसान ने बताया इस गिलहरी के दो छोटे बच्चे इस पानी में डूब गए हैं, वो तालाब को सुखाने का प्रयास कर रही है अपने बच्चों की जान बचाने के लिए। उस समय जब महात्मा बुद्ध ने ये बात जानी कि एक गिलहरी इतना छोटा सा जीव है और वो एक ऐसे मिशन पर काम कर रही थी जो कभी पूरा नहीं होगा, मैं तो एक इंसान हूं तो मैं कैसे हार मान सकता हूं, और उस दिन के बाद उन्होंने फिर से प्रयास शुरू किए और सातवें आठवें वर्ष में उनको बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान तत्व मिला। यदि उस समय उन्होंने वो प्रयास छोड़ दिए होते तो आज बुद्ध बुद्ध नहीं होते, वो भी एक साधारण व्यक्ति होते। प्रयास करते रहने में ही एक दिन सफलता मिलेगी। ऑप्टिमिज्म की असली एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो चाइना के एक श्रेष्ठ बिजनेसमैन है जिनका नाम है जैक मा, अलीबाबा नाम की उनकी कंपनी है, वो भी एक ऑप्टिमिज्म का एग्जाम्पल है। जीवन में 40-50 बार वो फेल हुए। दूसरा एग्जाम्पल है, यदि आपने केएफसी का नाम सुनाओ, केंचुकी फ्राइड चिकन, उसके ओनर थे सैंडर्स, कोलोनल सैंडर्स, उन्होंने 60 या 65 वर्ष की आयु में ये संस्था शुरू की थी और बहुत भारी सफलता हासिल की 60 साल की आयु के बाद। जीवन में कब हमें सफलता मिलेगी पता नहीं, लेकिन सवाल एक ही रहेगा, क्या आप जीवन के अंत तक प्रयासरत रहे थे? सफलता उसी को मिलती है जो प्रयास करना नहीं छोड़ता। क्या हम प्रयास कर सकते हैं? यही मोटिवेशन है हमारे जीवन का। क्या आप एक लीडर और एक नॉन लीडर को फर्क महसूस कर पाते हैं इन चारों तत्वों से? वर्मा जी, जो आपने बताया था वो बात यहां कनेक्ट हुई लर्निंग टू अनलर्न में? जी सर, जी सर। कोई सवाल यदि किसी का हो तो वो इस जगह पर पूछ सकता है आगे बढ़ने से पहले। बहुत सारे लोगों ने अपने वीडियो बंद किए हुए हैं, ये वो लोग हैं जिनमें ईश्वर तत्व काफी ज्यादा है। किसी का सवाल हो तो वो पूछ सकता है, काफी लोग वीडियो बंद करके बैठे हैं। जो लोग वीडियो बंद कर रखे हैं उनमें ईश्वरीय गुण है, मैं ऐसा मानता हूं। जिन लोगों ने वीडियो ऑन करे हुए हैं वो अभी मानवता के ही गुण हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं, मानवीय ही गुण हासिल कर रहे हैं। मैं एक चीज इशू रेज करना चाहता हूँ इस मामले में। जी, कि जैसे आपने एग्जांपल दिया था इसका, शाहरुख खान वाला जो था, एक पिक्चर आई थी लगान भी, उसके अंदर भी कुछ इसी तरह से मोटिवेशनल होके वो लड़ते हैं किसी पर्टिकुलर दूसरे कोच के लिए, और वो परंतु कंडीशन ये इसके अंदर ये होती है कि इस तरह के इफर्ट मुझे नहीं लगता कि इन्हीं लोगों ने किए होंगे, दुनिया में बहुत लोगों ने इफर्ट किए होंगे, परंतु कंडीशन ये है कि इनको किस्मत भी साथ दी कि लास्ट बॉल के ऊपर उनको वो लोग जीत गए। अगर लास्ट बॉल के ऊपर, मतलब जैसे शाहरुख खान वाले ने भी है कि लास्ट में उनको वो अपॉर्चुनिटी मिली थी तो उसके अंदर वो उसने गोल कर लिया और जीत गए, ये कारण लगान में भी था। तो अगर किस्मत इफर्ट तो सब ठीक है, आदमी अपने मोटिवेशन से के साथ में काम करता है, मेहनत करता है, परंतु किस्मत अब जैसे बुद्ध के साथ में भी है, बहुत से ऋषि मुनि है जो भी जाके उन्होंने बहुत कोशिश की होगी परंतु बुद्ध सब नहीं बन पाएंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं डेस्टिनी की भी काम करती है। नागर साहब, एक बात बोलूंगा जो कि विवेकानंद जी ने बोली थी, यदि आप दौड़ नहीं सकते, यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलने का प्रयास कर सकते हैं, और यदि चल नहीं सकते तो रेंगने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन रेंगिए तो कम से कम। मैंने कब कहा कि सफलता कोई हमने गारंटी दी है? किसी को भी, जिनको सफलता मिली उनको भी सफलता की गारंटी नहीं थी, लेकिन बिना प्रयासों के उनको भी नहीं मिली। बस यही बात है, बिल्कुल सही बात जी। क्या नाम एग्जांपल मैं दूंगा, 1983 वर्ल्ड कप जो कपिल देव ने जीता था जी साहब, तो उसमें कपिल देव के बड़े एफर्ट्स थे, उसने एक डिटर्मिनेशन था माइंड का, विल पावर जिसे कहते हैं, तो उसकी वजह से इंडिया जीता। उसने दो मैच में एक रिवियन रिचर्ड का कैच और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में 175 उसने किए, तो इंडिया तो कहीं पे भी नहीं थी उस वर्ल्ड कप में, वेस्ट इंडीज का तो अपने आप को जीता हुआ समझ रही थी, तो उसमें इनका ये उनसे जो आपने अभी एग्जांपल दिए हैं उसमें एक बेस्ट एग्जांपल है जो हमने भी देखा है उसको।
बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप ये भी याद रखिएगा तरुण जी कि 1983 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद हमें कितने साल और लग गए थे दूसरा वर्ल्ड कप जीतने में। वो तो है ही, वो तो, मगर उस टाइम उस डिटर्मिनेशन जो था उनकी विल पावर जो थी, ने कैच लिया था विवियन रिचर्ड का, वो सब कुछ था उसके लिए। तो उसने वो कैसे लिया आज भी दिखाते हैं हमको कि वो एक ही कैच ने सारा मैच जो है वो कर दिया था इंडिया की फेवर में। नहीं तरुण जी, मेरा सवाल ये है कि जब आप जीतते हैं ना पहली बार कभी, तो इसको हम अंडरडॉग की संज्ञा देते, अंडरडॉग। ऐसी कई बार हुआ है, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैं डेनमार्क में रहा तो मुझे थोड़ा बहुत फुटबॉल के बारे में भी इंटरेस्ट हुआ, मैं फुटबॉल का एकदम शौकीन नहीं हूँ, लेकिन डेनमार्क ने पहली बार बाई चांस यूरोपियन फुटबॉल कप जीता था। इसी तरह स्पेन ने वर्ल्ड कप फुटबॉल कप जीता, 2014-10 की बात है, शायद 2010 की है ना। वहां पर ये फ्लूक भी होता है, भारत का जीतना कोई सिस्टमेटिक एफर्ट नहीं था, वो फ्लूक था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जीतना और जीतते रहना ये कर्मठता है। मैं ऑस्ट्रेलिया की ज्यादा तारीफ करूंगा इस मामले में। हम भारतीय होने के नाते अपने देश की तारीफ करेंगे, ऑफ कोर्स मुझे भी बड़ी खुशी है। और जब धोनी की टीम जीती 2011 में जीते, उतनी ही खुशी तब हुई। लेकिन 83 से 11 के बीच में एक बड़ा पीरियड बीत चुका था, कितने साल बीत गए थे। यहां सवाल ये है कि कम से कम उस सक्सेस को रिपीट करना, उस सफलता को दोबारा हासिल करना, वो लीडरशिप है। यहां पर तिबारा हासिल करना और कठिन हो जाता है, चौबारा हासिल करना और कठिन, क्योंकि हर जीत के साथ हारने की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। हर जीत आपकी हार की संभावनाएं पैदा करती हैं। जीतते रहना बहुत कठिन काम है, जीतना आसान है, जीतते रहना बहुत कठिन है। इस मामले में हम सब लोग क्योंकि क्रिकेट के शौकीन हैं तो ऑस्ट्रेलिया की तारीफ करनी चाहिए। शायद 4 या 5 वर्ल्ड कप जीते हैं उन्होंने, और वो फ्लूक नहीं है, वो एक श्रेष्ठ टीम की बात है। आप देखिए वहां पे श्रेष्ठ खिलाड़ी भले ही ना हो, लेकिन वो टीम जरूर श्रेष्ठ है, लगातार चैंपियन बनी रहती है वो। और ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, आप टेनिस की वर्ल्ड में जाइए, लॉन टेनिस में, लॉन टेनिस में ये जो क्या नाम है इसका, स्पेनिश खिलाड़ी है शायद, राफेल, राफेल की देखिए कितनी जीतें उसने हासिल की है और कितना एज भी है उसका। तो जीतते रहने के लिए हमें मोटिवेशन चाहिए। 2010 में जब ये स्पेन ने वर्ल्ड कप जीता था ना, तो मेरी क्लास में मैं करीब 11 साल मैंने डेनमार्क में एक कोर्स पढ़ाया, पिछले साल तक मैंने पढ़ाया था, 11 साल पूरे किए वहां। तो स्पेन का एक स्टूडेंट था, उसका नाम डैनी था। तो मैंने उससे बोला, क्योंकि मैं उसके साथ ही मैच देख रहा था, मैंने तो कॉन्ग्रेचुलेशन किया, लेकिन अगले दिन क्लास में कहा कि डू यू थिंक स्पेन विल विन अगेन। अब 2010 से देख लीजिए, आज 2021 हो गए, 3 वर्ल्ड कप करीब हो गए हैं, लेकिन स्पेन को जीतने का क्या, लीग मैच से आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल पा रहा है, काफी कठिन है। आप एक मेरा कहने का प्रयास ये था कि एफर्ट्स की बात थी, जहां तक जो कपिल देव का एफर्ट्स था, टीम इंडिया का तो जो एफर्ट था, कपिल देव का जो इंडिविजुअल एफर्ट था उसमें, वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। वो किसी भी हमारे जो हमने जिनके ऊपर टॉपिक पे हमने डिस्कशन किया है उसमें से किसी से कम नहीं था उसका इंडिविजुअल। नहीं तरुण जी, मैं तो वो सब, हम सभी लोग जो सराहना करते हैं, हम सभी बड़ा उसका लुत्फ लेते हैं आज भी, 83 की जीत का जब भी आता है कहीं देखने लगते हैं। लेकिन यदि आप क्रिकेट को फॉलो करते रहे हो तो उस वर्ल्ड कप के बाद वेस्टइंडीज ने भारत का दौरा किया था, और जो पटक पटक के भारत को मारा है ना, सारे बदले ले लिए थे उन्होंने। कहने का मतलब समझिएगा, जीतना अलग बात है लेकिन परफॉर्मेंस देना एक अलग बात है। जीत मिल जाती है कई बार, लेकिन कई बार परफॉर्मेंस हम लगातार नहीं दे पाते, वो कठिन काम है, उसके लिए मोटिवेशन एक अलग चाहिए। ये बात सही है कि नहीं तरुण जी? ये ठीक है सर, उसको मोटिवेशन तो मिला उसके बाद में। इंडिया को आप देखिए, उसके बाद इंडिया जो खेल रही है आज तक, तो कभी भी सेमीफाइनल से कम हारी नहीं है सिवाय एक आध वर्ल्ड कप को छोड़ के। मोटिवेशन तो उसके बाद बहुत आया इंडिया में, एक आध वर्ल्ड कप में छोड़ के इंडिया सेमीफाइनल में खेली है उसके बाद, एक दो वर्ल्ड कप को छोड़ के, तो मोटिवेशन तो मिला ही है जीत से, ऐसा नहीं है।
ऐसे ही एक 1986 में वर्ल्ड कप फुटबॉल का भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, डियागो माराडोना का, जिसने सिंगल हैंडेडली अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जितवाया था, वो भी सिंगल हैंडेडली सिंगल एफर्ट था उसका, ग्रेट। बिल्कुल सही बात। तो अभी हम लोग इसमें ये देखते हैं जो हमारा चौथा सवाल था, ये चौथा सवाल कहाँ है हमारा इस ऑब्जेक्टिव, कैन यू सी दिस, व्हाट आर द सस्टेनेबल सोर्सेस ऑफ मोटिवेशन फॉर लीडरशिप टू ट्रांसफॉर्म। अब ऐसी कौन सी बातें हैं जो मोटिवेशन का सोर्स हो सकते हैं, मतलब ऐसा सोर्स जो कभी खत्म ना हो। ये पांच छह बातें मैंने यहां इस स्क्रीन पर लिखी हैं। इसमें पहला सोर्स है मीनिंग, सार्थकता, जीवन में एक मीनिंग की तलाश। दूसरा है हमारे अजम्पशंस और परसेप्शंस। तीसरा है सेल्फ कॉन्सेप्ट। चौथा है नॉन वायलेंस और फॉरगिवनेस। और पांचवा है ग्रेटिट्यूड। और यहां एक मीडिएटिंग मैकेनिज्म है जिसको हम रोल एक्सपेंशन बोलते हैं। और ये बना के ये मैं यहां पर आपको एक मॉडल बन जाता है मोटिवेशन का। आप यदि देखें, आर यू एबल टू सी इट ऑन योर स्क्रीन? जी सर। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार देख पा रहे हैं आप? दिख रहा है सर, दिख रहा है। तो हम हमारे पास जी, अब हम लोग इन चार तत्वों की चर्चा करेंगे और इसको आप नोट कर लीजिए। मैं अब अपना प्रेजेंटेशन यहाँ बंद करके केवल दो चार बातें ऐसे ही करता हूं जिससे कि एक थोड़ा कन्वर्सेशन आसान हो जाएगा, है ना। तो पहला है मीनिंग। ये मेन मुद्दा है यहाँ पर मोटिवेशन का। ये वो चीज है जो मैं दिन भर पढ़ाने वाली चीज है, तो मैं जल्दी जल्दी थोड़ा संक्षेप में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा उचित माहौल मिले और फेस टू फेस सेशन हो तो एटलीस्ट 8 घंटे 8 आवर्स मुझे चाहिए होते हैं इसको पूरा करने के लिए। लेकिन फिर भी बात अपनी जगह रहे और कम समय में भी यदि पहुंच जाए तो उसका प्रयास मैं कर रहा हूं। तो पहला है मीनिंग। मीनिंग को लेके एक बुक लिखी गई है जो आप रेफर कर सकते हैं, और उस बुक को लिखने वाले हैं विक्टर फ्रेंकल, और उस बुक का टाइटल ही है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। लेकिन वो वेस्टर्न थियरी है। यदि भारतवर्ष में यदि आप श्रीमद् भागवत गीता की बात करें तो वो भी मीनिंग की ही बात करती है कि अर्जुन तू कौन है, तेरी जिंदगी का क्या मकसद है। यही बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाई थी और यही बात उन्होंने द्रौपदी को भी समझाई थी कि तुम्हारे जीवन का मकसद क्या है। क्या हमें हमारे जीवन का मकसद मालूम है? आप जिस भी पद पर, जिस भी नौकरी में बैठे हैं, क्या आपको पता है आप वहां पर क्यों बैठे हैं? बाय चांस है या शायद ईश्वर ने, विधाता ने आपको वहां बैठाया हो, या सिर्फ आपके एफर्ट हैं, या कोई और बैठ सकता था उसको हटा के आपको जगह मिल गई हो, ऐसा हुआ। क्या कभी आप अपनी पोजीशन को, जहां भी हैं आप, जिस भी पद पर हैं, जो भी काम कर रहे हैं, क्या उसको महत्वपूर्ण मानते हैं आप में से लोग? यस और नो? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अक्सर हम अपने पद को, अपने काम को ही महत्वपूर्ण नहीं मानते। क्या इसको महत्व देते हैं? सिंह साहब, रंजय सिंह शायद बोल रहे थे कुछ बीच में और वो रह भी गया था। सर बिल्कुल देते हैं। लेकिन एक बार बताइए सिंह साहब की, यदि आप अपने काम को महत्वपूर्ण माने और काम को महत्वपूर्ण ना माने तो क्या फर्क हो जाएगा? जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा। वो ऐसे ही है जैसे कि आप अपने शरीर को भूल गए, कंप्लीट अपने शरीर की जो आइडेंटिटी आपने उसको लूज कर दी, खत्म कर दी। आप जिस पद को, जिस गरिमा के साथ आप, आपको दी गई है, अगर आपको रियलाइज है कि इस पद की मीनिंग क्या है, इसकी जिम्मेदारी क्या है, और आपको ये चीज ज्ञात है, तो आप उसके हिसाब से अपने एक्ट को, आपका ब्रेन है उस तरीके से प्रोसेस करेगा, आपके कर्म वैसे कार्यान्वित होंगे और आप परफॉर्मेंस निरंतर देते रहेंगे, बल्कि उसमें और इंक्रीमेंटल चेंज ला करके बढ़ते रहेंगे। ये है इसकी मीनिंग, मैं समझता हूँ जहां तक पर्सनली। आप लोगों ने कभी एक कहानी सुनी है जिसमें एक मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था एक गाँव में, तो एक व्यक्ति वहां से गुजरा तो उसने देखा कि 3 मजदूर पत्थर तोड़ने का काम कर रहे हैं,
तो एक मजदूर से उस व्यक्ति ने पूछा कि भैया यहाँ क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि तुम्हें दिखता नहीं अंधे हो, मैं यहाँ पत्थर तोड़ रहा हूं। तो उसको कोई बात समझ में नहीं आई, उसने दूसरे मजदूर से पूछा कि भैया क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि भाई देख लो यार, पत्थर तोड़ के अपने परिवार का निर्वाह कर रहा हूं, अपने परिवार का पेट पाल रहा हूं और क्या। दूसरे से भी कोई बात नहीं समझ में आई तो उसने तीसरे मजदूर से भी पूछा क्या कर रहे हो, तो उसने ये कहा कि मैं यहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कर रहा हूं। पहले ने कहा मैं यहां पत्थर तोड़ रहा हूं, दूसरे ने कहा मैं पत्थर तोड़ के अपने परिवार का पेट पाल रहा हूं, तीसरे ने कहा कि मैं एक भव्य मंदिर का निर्माण कर रहा हूं। काम तो तीनों एक ही कर रहे थे, लेकिन तीनों की सोच का क्या असर उनके काम पर पड़ेगा? आप अपना मूल कर्तव्य को भूल जाते हैं, आप उसका जिस काम के लिए आप लगे हुए हैं, then उसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। If you are remembering that what purpose you are sitting in your seat, then it becomes your self motivation. So Damodaran ji, then who will be motivated most out of these three labor? The person who is thinking that he is making a for his task is, that is the third person who told that he is breaking a temple. That is the main concept or main objective for which he is sitting there. He has understood his role there. तो उससे क्या होगा? जब वो पत्थर तोड़ता है, पत्थरों को शेप देता है, तो उसके मन में एक भावना रहती है कि हाँ ये मंदिर में यहाँ फिट होना चाहिए, वहां फिट होना चाहिए। उसके मन में एक मंदिर की कल्पना मौजूद है और वो कल्पना उसको मोटिवेट करती है अच्छे से अच्छा काम करने के लिए। और जब मंदिर बन के तैयार हो जाएगा और वो मंदिर में जाएगा या मंदिर के बाहर खड़ा होकर उस मंदिर को देखेगा, तो क्या कहेगा ये बात कि ये वो मंदिर है जो मैंने बनाया। देखिए मंगलायन जो है, मंगलायन भारत के साइंटिस्ट लोगों ने, वैज्ञानिकों ने भेजा, और उसके बारे में कहा जाता है कि उसका खर्चा रिक्शा से भी कम था, क्योंकि 10 रुपए प्रति किलोमीटर की खर्चे से हमने उसे भेजा है। अब ये बात बताइए कि उसमें केवल जो वैज्ञानिक थे उनका योगदान था, या कोई राजू चाय वाला भी रहा होगा जो वैज्ञानिकों को चाय पिलाता रहा होगा? और जब मंगलायन सफल हो गया तो सारे वैज्ञानिक कहते होंगे यार तेरी चाय ने कमाल कर दिया, हम लोग तो थक जाते थे लेकिन तेरी चाय मिल जाती थी तो क्या आप अपने प्रयासों में छोटे छोटे व्यक्तियों का योगदान महत्वपूर्ण मानते हैं? क्या आप उनके काम की प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं? तभी आप एक ग्रेट लीडर है, तभी आप अपने को भी मोटिवेट कर सकते हैं और साथ में दूसरों को भी मोटिवेट। जब आप अपने काम को महत्वपूर्ण माने, साथ में किसी और के काम को भी बराबर महत्वपूर्ण माने। मैं डायरेक्टर था आईएमएस गाजीबाद में, तो हमेशा अपने जो भी माली या जो भी चपरासी या सिक्योरिटी गार्ड होते थे, तो वो मेरे आगे हाथ जोड़ के कई बार खड़े हो जाते थे। मैं कहता भाई ऐसे मत क्या करो, तुम लोग भी अपना काम कर रहे हो, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, बस ये है कि मुझे ये काम मिल गया, तुम्हें वो काम मिल गया, ये शायद भगवान का कुछ अपना उसमें नियम है। जितना काम मेरा महत्वपूर्ण है उतना ही काम तुम्हारा भी महत्वपूर्ण। एमडीआई में यदि कभी आप आए तो एमडीआई यहाँ पर ना बड़ा साफ सुथरा रहता है और फूल वूल हर समय खिले रहते हैं, बड़ी हरियाली रहती है। तो जब भी माली मुझे मिलते हैं तो मैं उनकी हमेशा तारीफ करता हूँ। कल मेरे बच्चे का बर्थडे था, 7 जून को, छोटा बच्चा, तो उनके जन्मदिन को मैं ऐसे ही मनाता हूँ कि सिक्योरिटी गार्ड को मिठाई दे दी, मालियों को मिठाई दे दी, स्वीपर्स को मिठाई दे दी। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से मेरा कैंपस साफ रहता है, सुंदर रहता है। क्या उनका योगदान नहीं है? मेरा योगदान प्रोफेसर जैन का ही ज्यादा है, क्योंकि वो तो पढ़ा लेते हैं, वो तो भाई बड़ा पीएचडी है भाई, उन्होंने तो बड़े पेपर वेपर लिखे हुए हैं। तो उस माली का योगदान कम हो जाएगा क्या? आप लोग मानते हैं कि उसका योगदान कम है मेरे इंस्टीट्यूट में? यस और नो?
क्या आप अपने योगदान को बड़ा और दूसरे के योगदान को छोटा मानते हैं? नहीं, इसमें योगदान सभी का है। देखिए कोई भी चीज, जैसे टोटल एक कार होती है, कार में एक जो ट्यूब में एक बाल्ब होता है बहुत छोटा होता है, उसकी कोई ज्यादा कीमत नहीं होती है। यदि वो परफॉर्म ना करे तो पूरी कार धरी की धरी रह जाती है। इसलिए सभी का इसमें जो रोल है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो मैं ये समझता हूँ। तो मैं यही कह रहा हूँ कि सबका योगदान बराबर होता है, और खास तौर से एक पिता को और एक बॉस को खास तौर से अपने योगदान को भले ही कम करके दिखा दे, लेकिन नीचे वाले योगदान को कम भी है तो भी बड़ा करके दिखाए। देखिए मेरी बात समझिएगा, इफ यू विल आस्क यू विल अप्रिशिएट ए हॉर्स, यू विल से दैट यू आर ए ग्रेट हॉर्स, यू आर ए ग्रेट हॉर्स, यू आर ए ग्रेट हॉर्स, तो वो तेज दौड़ेगा। और यदि हॉर्स को भी ये दिन में चार बार बोलोगे अरे क्या तुम गधे आदमी हो यार, तुम गधे हो, उसको चार बार बोलो तो वो गधा ही बन जाएगा, कहेगा अब तो मैं बॉस को दिखाऊंगा मैं कितना बड़ा गधा हूं, तो कल जो काम कर भी रहा था वो भी नहीं करेगा। तो दूसरे के योगदान की प्रशंसा करनी चाहिए, उसके काम की सार्थकता होनी चाहिए। जो मीनिंग की बात है मैं आपको बताऊं, ये विक्टर फ्रेंकल ने 1939 से लेकर 1941 तक 3 साल हिटलर के नाजी कैंप में, कंसंट्रेशन कैंप में रहा, वहां रहने के बाद उसने ये बुक लिखी है मैन सर्च फॉर मीनिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर उसने लिखा है कि इवन अंडर हाईली एब्सर्ड कंडीशन एंड ह्यूमिलिएटिंग कंडीशन मैन हैज ए पोटेंशियल फॉर ए बिगर मीनिंग, मतलब हमारी परिस्थिति कितनी भी बुरी हो हम अपने लिए कोई एक बड़ा मीनिंग ढूंढ सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपने काम को सार्थक नहीं मानते, या अपने से ऊपर वाले के काम के सार्थक मानते, या नीचे वाले को अपने काम को महत्व नहीं देते, जिसकी वजह से हम पर्याप्त मोटिवेटेड नहीं रहते। और ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, इसको हम एग्जिस्टेंशियलिज्म की संज्ञा देते हैं, अस्तित्ववाद। पूरी की पूरी गीता इसी बारे में लिखी गई है। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अर्जुन, ये कौरव, ये भीष्म पितामह, ये द्रोणाचार्य, ये कर्ण मरेंगे तो है ही हैं, चाहो तो तुम मारो या कोई और मारे, तुम मार लोगे तो नाम तुम्हारा हो जाएगा। देखिए आप जो भी काम कर रहे हैं, आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, करेगा तो कोई है ही, काम तो होगा ही होगा, और चाहे तो अपनी सर्विस छोड़ तूफान तब भी नहीं आएगा, तूफान आज भी नहीं आएगा जब आप समझ जॉब में, कल भी जो काम हो रहे थे आगे भी होते रहेंगे, कल भी फिल्में बनती थी आगे भी फिल्में बनती रहेंगे, आज राज कपूर नहीं तो कोई और बनाएगा, कल कोई और एक्टर था कल कोई और होगा, मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ नगमे गाकर चले गए, कुछ आहें भरकर लौट गए। मैं भी एक पल का हिस्सा हूं, तुम भी एक पल का हिस्सा हो। आपने कभी कभी का गाना सुना ये, अपने को इनविंसिबल मानना, इनएविटेबल मानना इंसान की सबसे बड़ी भूल है। आप सिर्फ एक हैं और एक का ही काम कर पाएंगे, दो का काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए 11 प्लेयर होते हैं। यदि इतना काबिल विराट कोहली होता तो वही बॉलिंग करता, वही बैटिंग करता, वही फील्डिंग करता, खेल लो। तो इसको समझने का प्रयास करिए, ये है मीनिंग। दूसरी बात है जो हमें मोटिवेट कर सकती है, वो है हमारे अजम्पशंस। देखिए अजम्पशंस दो तरीके के होते हैं। अजम्पशंस एक तो हो गए फियर और कंफर्ट का, कि ज्यादा मेहनत करने से क्या होगा, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही क्या है। दूसरे अजम्पशन है नहीं 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 यार, ऐसे थोड़ा जीवन चलना चाहिए, एक श्रेष्ठ जीवन होना चाहिए, थोड़ा रिस्क लेना, थोड़ा ज्यादा मेहनत करना, अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना, दूसरे को भी अच्छा बोलना, दूसरे को भी सिखाते रहना, वो भी एक जीवन की अजम्पशन है। तो आप जब काम करते हैं तो आपकी अजम्पशंस क्या है। मैं अजम्पशन को समझाने के लिए अपने दोस्त का एक एग्जाम्पल देता हूं। मैं लखनऊ में क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ता था, अपनी 12वीं क्लास वहीं से की है मैंने। तो मेरा एक दोस्त था प्रवीण सिंह सेंगर, उसको भारत की आर्मी में जाना था, इंडियन आर्मी में। तो वो किसी तरह करके CDS का एग्जाम देके इंडियन आर्मी में चला गया। एक ट्रेनिंग के दौरान उससे कहा गया, एक पॉन्ड बनाया गया, एक तालाब,
और किस चीज का तालाब, शिट का तालाब, पॉटी का, टट्टी का तालाब बनाया गया और उसको कहा गया कि यहां गर्दन तक उतर जाओ, उसका पूरा शरीर एक पॉटी के तालाब में, और बाहर से उसके इंस्ट्रक्टर ने उसको रोटी दी, कहा इसको पूरा खत्म करो बिना उल्टी किए। आप मेरी बात समझे, अजम्पशंस क्या हैं? यदि एक सोल्जर बनना है तो ये तो करना ही पड़ेगा, सैनिक बनना है तो मरने की अजम्पशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि कभी भी मौत आ सकती है। मेरी बात समझ लीजिए आप। अभी एक डॉक्टर अग्रवाल है, उनका इंटरव्यू देख रहा था, वो बेचारे चले गए कोविड में, करीब 550 डॉक्टर चले गए, कितना दुख होता है। उन्होंने अपने लिए, अपने घरों वालों के लिए जान दे दी या हमारे सबके लिए, समाज के लिए जान दे दी। जब वो डॉक्टर बने थे तो उनको पता था उनका जीवन इतना छोटा है, लेकिन उनको ये पता था कि डॉक्टर बन के कोई बीमारी उनको भी लग सकती है, किसी का इलाज करते करते वो खुद भी बीमार पड़ सकते हैं। आज 550 लोग ऐसे हैं जिनको शायद कोविड का टीका भी लग गया, फिर भी बेचारे चलेगा। डॉक्टर अग्रवाल को दोनों टीके लग गए थे। आप ये बताइए कि इनके पीछे अजम्पशंस क्या हैं? जिंदगी है, ये सब तो होगा ही होगा, जिंदगी भी है, मौत भी है, आएगी, लेकिन क्या मैं अपना काम करना रोक दूं? क्या सैनिक युद्ध करना रोक दे, काम ना करे? क्या डॉक्टर इलाज करना बंद कर दे, यदि कोविड है तो वो घर में बैठ जाए? ये है अजम्पशंस। आपके अजम्पशंस क्या हैं जीवन में, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एक मार्क इंग्लिश करके एक व्यक्ति है, मार्क इंग्लिश न्यूजीलैंड का एक वो माउंटेनियरिंग मैन था, बड़े बड़े पहाड़ चढ़ता था। एक घटना के दौरान उसका शरीर एक एवेलॉन्च जो होता है ना, बर्फ का तूफान, उसमें फंस गया, आधा शरीर बर्फ से दब गया। जब तक रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और उसकी जान बचाई गई, तब तक उसके पैर गल चुके थे, डॉक्टर्स ने उसके दोनों पैर काट दिए। जीवन तो बच गया लेकिन दोनों पैर कट गए। मीडिया में वो नोन था, बहुत पॉपुलर आदमी है, आप चाहे तो यूट्यूब पे या उसके वीडियो देख लीजिएगा या उसकी फोटो देख लीजिएगा, मार्क इंग्लिश नाम है, इंग्लिश। तो जब उसके पैर कट गए तो उससे मीडिया ने पूछा, आपका सपना था माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का, अब उसका क्या होगा? तो उसने कहा, माय लेग्स हैज नथिंग टू डू विद माय ड्रीम, माय लेग्स हैज नथिंग टू डू विद माय ड्रीम, ऑफ कोर्स आई विल क्लाइंब। मेरी बात समझने का प्रयास करिए, वो व्यक्ति जिसके दोनों पैर हो चुके हैं, आज वो ये कहता है कि मेरे सपने का मेरे पैरों से क्या ताल्लुक, ऑफ कोर्स मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगा। इसके पीछे क्या है? अजम्पशन। वो चढ़ा या नहीं चढ़ा ये अलग बात है, लेकिन अजम्पशन ये है कि मेहनत करूंगा, कुछ तो करूंगा, लेकिन माउंट एवरेस्ट जरूर चढ़ूंगा। और जब वो 10 साल तक प्रयास करता रहा, 10 साल ट्रेनिंग की, 10 साल के अथक परिश्रम के बाद वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा। He was first double amputee who climbed Mount Everest। और जब वो चढ़ के नीचे आया तो उसने अपना सारा पैसा डोनेट कर दिया हैंडीकैप तिब्बतियंस के लिए। और जब मीडिया में उससे पूछा कि हाउ आर यू फीलिंग टुडे, ही सेड आई एम फीलिंग उसने कहा तो मीडिया में पूछा गया किस बात का दुख है आज आपको, क्यों रिग्रेट किस बात का है? तो उसने एक ही बात, छोटी सी बात कही कि काश ये चढ़ाई मैंने अपने पैरों पे की होती तो बात को करो। चलने के लिए तो चलते हैं लोग, एक पैर पे भी दूजा अगर साथ देता तो बात कुछ और होती। आपको अपने पैरों का महत्व कब पता पड़ता है बताइए, सच बताइए, दिल पे हाथ रखकर। क्या आप अपने शरीर के अंगों को महत्वपूर्ण मानते हैं? क्या आप अपने शरीर को आवाज कट रही है?
यस सॉरी सुन पा रहे हैं आप मुझे? बीच में थोड़ा वो वाईफाई चला गया था। जी सर। हाँ जी सर, अब ठीक है जी। हाँ वो क्या हुआ, मेरा ना फोन से कनेक्ट है तो जैसे फोन आता है ना तो वो वाईफाई चला गया। तो आप बात समझ पा रहे हैं मेरी कि जो जो मुझे मिलता चला गया वो मेरे लिए महत्वहीन हो गई, और जिस दिन वो चीज मुझसे खोई, यदि मेरा पैर टूटा हाथ टूटा तो वो महत्वपूर्ण हो गई, जिस दिन मेरे माँ बाप मर गए वो मेरे लिए महत्वपूर्ण हो गए, जब मेरी जॉब मुझसे छिन गई तो वो महत्वपूर्ण हो गई, जब मैं रिटायर हो गया तो सोचता हूं नहीं यार काम अच्छा कर सकता था। ऐसा क्यों होता है आखिर? ऐसा तो नहीं कहीं हम ना हमारे अजम्पशन जीवन में गलत हो गए? क्या वास्तव में हमारे अजम्पशन सही हैं? डॉक्टर मोनिका शुक्ला क्या कहती है, हमारे अजम्पशन कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गए? नहीं सर, ये एक कॉमन मेंटलिटी होती है कि जो चीज हमारे पास होती है हम उसकी वैल्यू नहीं करते, और जब वो हमसे दूर जाती है, भगवान हमसे छीन लेता है या किसी कारण से हमें उससे दूर रहना पड़ता है, तभी हमें उसके असली वैल्यू पता चलती है। मोनिका जी मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आज आप एक साइंटिस्ट है मान लीजिए, तो नीचे के स्तर से शुरू किया अपना जीवन, माता पिता ने आपको पढ़ाया लिखाया, आज इस काबिल बनाया और आप एक पद पे पहुंचे, वो सारी चीजें महत्वपूर्ण हो गई, बस आप एक प्रिंसिपल साइंटिस्ट नहीं बन पाई। नहीं 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 बिल्कुल नहीं सर, सब चीजों का महत्व है मेरे जीवन। लेकिन ऐसा नहीं होता लोगों के साथ, प्रमोशन नहीं होता तो मरने की नौबत नहीं आ जाती? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर, वो हर इंसान की सोच अलग अलग होती है सर। कुछ लोग ग्रेटफुल होते हैं अपनी लाइफ के प्रति कि मुझे आज तक जो मिला वो मेरे लिए बहुत है, जो नहीं मिला मैं उसके लिए और प्रयास करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो नहीं मिला उससे मेरी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो एक बार बताइए, यदि ग्रेटफुल होंगे तो क्या फायदा होगा? सर ग्रेटफुल होंगे तो हम खुश रह पाएंगे, सबसे बड़ी चीज यही है। अगर हम चीजों के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो हम खुश रहते हैं, अगर हम ग्रेटफुल नहीं होते तो हमें हमेशा दुख बना रहता है कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमें ऐसा होना चाहिए था, हमें ये मिलना चाहिए था, ये होता है सर मेरे हिसाब से। तो मैं ये कह रहा था कि जब हमने ये लेक्चर शुरू किया तो मैंने आपको कई बातें बताई, ऋषि भृगु की बताई है ना? यस सर। मैंने आपको कुछ बताए, रीजनल सेल्स मैनेजर अपोलो का बताया, उनका बताया, जो एक माता पिता के बारे में मैंने पूछा, मैंने yes. तमाम एग्जाम्पल दिए। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है कि ये जो गुण है मोटिवेटेड yes. रहने का, क्या इन लोगों में था या नहीं था? था सर, इनमें था। हाँ सर। इनमें मोटिवेशन के पीछे ये जो बात है वो क्या है, मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों के जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अभी तक मैंने वो बात नहीं कही है। इन लोगों के पास एक ही चीज थी, वो था इनके विचारों के ऊपर फुल कंट्रोल। कंट्रोल, यस सर, यस सर, बिल्कुल सही। हमारे विचार ही हमारे नहीं है। यस सर। हमारे विचार गुलामी की मानसिकता थे। कल हमें कोई कहता है मैं ग्रेट हूं तो मैं ग्रेट बन जाता हूँ, कल कहता है कोई बेकार हो तो मैं बेकार बन जाता हूँ। यस सर, यस सर, सही कह रहे हैं। कल कोई मुझे कुछ भी कह देता है तो मैं कुछ भी बन जाता हूँ, कहता कुछ नहीं हो तो मैं कुछ नहीं बन जाता हूँ। यस सर, यस सर। अरे भाई ये कब तक गुलामी का जीवन जिएंगे? ब्रिटिश लोग चले गए, अब तो स्वतंत्र हो जाइए। ये दुनिया किसी के इंतजार में नहीं रुकेगी, हमें ही आगे बढ़ना है। ये अजम्पशंस हमें अपने बदलने होंगे, मीनिंग अजम्पशन। तीसरी चीज है सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब है मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं जो कुछ भी हूं, जो मैं कर सकता हूं मैं वो करूंगा, ये मानना जरूरी है। एक बहुत अच्छी कहानी है एक किसान की, जिसके खेत में, मतलब जिसके गांव में ये भविष्यवाणी हुई थी कि यहां 7 साल बारिश नहीं होगी, लेकिन वो किसान वहां फिर भी हल चलाता था। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल कोई बारिश नहीं हुई, तीसरे साल उससे एक घटना हुई, एक बादल का टुकड़ा उसके गांव के ऊपर से जा रहा था, उसने देखा कि ये किसान हल क्यों चला रहा है, जब यहाँ बारिश नहीं होनी तो क्यों हल चला रहा है, उसने सवाल पूछ लिया। तो जो किसान ने जवाब दिया वो बड़ा अच्छा था, कहता मैं एक किसान हूं, ये मेरा काम है, और यदि मैं हल नहीं चलाऊंगा तो ये भूमि बंजर हो जाएगी और मेरा शरीर खराब हो जाएगा। तो बादल सोच में पड़ गया, कहीं ऐसा हुआ मैं बादल हूं और बरसना भूल गया और 7 साल बाद नहीं बरसा, इस किसान की सारी मेहनत खराब हो जाएगी। उसने कहा मैं भी इस किसान की तरह थोड़ी प्रैक्टिस मैं भी कर लेता हूं, चलो थोड़ा सा बरसा देता हूं। उस किसान के खेत के ऊपर उसने बारिश कर दी। पीछे से बहुत सारे बादल थे जो ये नहीं जानते थे इनके बीच में क्या बात हो रही है,
तो बहुत सारे बादलों को लगा इसी गांव के ऊपर बारिश करनी है, उन बादलों ने भी उस गांव के ऊपर बारिश कर दी जहां 7 साल तक बारिश नहीं होनी थी। तीसरे साल में बारिश हुई। एक व्यक्ति की जिसको बोलते ना निष्काम कर्म, उसकी वजह से वहां बारिश हुई और भविष्यवाणी चेंज हुई, इतिहास भी बदला। आपने एक गीता में वृतांत आता है जब भगवान कृष्ण ने रथ का पहिया उठा के भीष्म पितामह के ऊपर अटैक किया था, तो उन्होंने ये बात कही थी कि मेरी प्रतिज्ञा भले ही टूट जाए, मेरे भक्त की प्रतिज्ञा नहीं टूटती। आपको पता नहीं है, आपको विश्वास नहीं होगा, जब आप मेहनत करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, तो प्रकृति का हर तत्व आपकी मदद करने का। लेकिन जब आप लालच में काम करते हैं तो हर वो तत्व आपके विरोध में काम करता है। ऐसी प्राकृतिक शक्तियां हैं जो आपको मदद करती है। मैं ये वर्ड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं मैं प्रकृति का हिस्सा हूं। क्या आप ये मानते हैं आप प्रकृति का हिस्सा हैं या आप प्रकृति से परे हैं? आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे एक पेड़ पे लगा पत्ता होता है, हम भी एक पेड़ पे लगे पत्ते हैं, या आपको लगता है आप उस पत्ते से ज्यादा काबिल? क्योंकि मैं उस पत्ते को तोड़ के फेंक सकता हूं लेकिन पत्ता मुझे तोड़ के नहीं फेंक सकता, ऐसा लगता है आपको? यदि पत्ता नहीं तोड़ के फेंकेगा तो कोविद तोड़ के फेंक देगा, और कोविद ने बहुतों को बड़े बड़े पेड़ उखाड़ दिए, पत्ते की तो मजाक ली क्या है, बहुत भारी भारी पेड़ उखाड़े इस कोविद ने तो। और ये कोविद भी तो इस प्रकृति का ही तत्व है और हमारे कर्मों के ही खेल है जो हमारे सामने नजर आ गए। मैं तो कोविड को कुछ थोड़ा सा आध्यात्मिक दृष्टि से देख रहा हूं पिछले एक साल से। आपको बात समझ में आती है सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, आप अपने को मानते क्या है? जैसे विराट कोहली अपने को मानता है कि आई एम ए ग्रेट बैट्समैन एंड आई कैन चेज एनी स्कोर सक्सेसफुली, ये उसका आत्म तत्व है। अमिताभ बच्चन मानता है आई एम ए ग्रेट एक्टर एंड स्टिल आई कैन वर्क, इसीलिए इतने सारे एड उसको मिलते हैं। आप मेरी बात समझते हैं? जो आप में कला मौजूद है, जो आप में गुण मौजूद है, उसको करते रहने, उसको दिखाते रहने में ही तो जीवन है, वही तो लीडरशिप है। अब हवा बहेगी नहीं तो क्या करेगी, पानी बहेगा नहीं तो क्या करेगा, बारिश होगी नहीं तो क्या करेगा, आग जलाएगी नहीं तो क्या करेगी, सबके अपने अपने गुण है। आप में कौन सा गुण है उसकी खोज होना, यह है सर्च फॉर मीनिंग। चौथी चीज है यहां पर वो है फॉरगिवनेस, और पांचवी है ग्रेटिट्यूड। फॉरगिवनेस क्यों जरूरी है? होता क्या है कि हमारे अंदर बहुत लोगों के प्रति घृणा और नफरत पैदा हो जाती है। महाभारत की पूरी कहानी को यदि आप समराइज करें तो पूरी कहानी को आप दो इमोशंस में बांट सकते हैं। पहला इमोशन है अपमान और दूसरा है प्रतिशोध। किसी ने किसी का अपमान किया, किसी ने किसी से प्रतिशोध लिया, और ये प्रतिशोध कहां तक गया? जब अश्वत्थामा ने सोते हुए बच्चों को मार दिया था। पूरी एक घृणा की हिस्ट्री है महाभारत में, नफरत की हिस्ट्री है, जो वॉर है, और वॉर के बाद की जो कहानी है और भी इंटरेस्टिंग है। इस वॉर से किसी का भला नहीं हुआ, बहुत कुछ नाश हुआ है, लेकिन कई बार मन में यह भाव आता है कोई तो किसी को माफ कर देता तो ये वॉर से बच जाते। आज भी आप ये देखिए, भारत पाकिस्तान की नफरतें, भारत चाइना की नफरतें, अमेरिका और चाइना के बीच में, सीरिया में, लेबनान में, फिलिस्तीन और इजराइल में, कहां कहां नफरतें नहीं हैं। क्या इनसे कुछ समाधान होने वाले हैं? मानवता का अंत तुरंत होने वाला है ऐसा लगता है। आधा तो इस कोविड ने कर दिया और आधा बचा कुचा लोग अपने आप ही कर रहे हैं, किस किस चीज के नाम पे लड़ रहे हैं कि, और वो तो भूल जाइए बड़े देश, अपने ऑफिसेस में देखिए, मेरा कुलीग मेरे कोई काम नहीं देता, मैं यदि ट्रेनिंग अच्छी कर सकता हूं, वो ट्रेनिंग का डीन बन गया तो उसने मुझे ट्रेनिंग देना ही बंद कर दिया क्योंकि वो मुझसे चिढ़ता है। मैंने कोई रिसर्च पेपर लिख दिया तो डीन रिसर्च ने ये मानता ही नहीं कि मैंने एक अच्छा पेपर लिखा, कहता है अरे तो कोई भी लिख लेता। नफरतें इस हद तक है कि जो काम जिसको दिया गया, पता है कुछ लोगों को काम क्या दिया गया, उसको यही काम दिया कि भाई आप बैठ के प्रशंसा करिए बस, और वो बॉस का काम है अपने सबॉर्डिनेट की प्रशंसा। अब बॉस ही अपने सबॉर्डिनेट से चिढ़ता है, अरे ये भी कोई काम होता है, बेकार है।
काम बड़े छोटे हैं लेकिन बड़े कठिन है वो भी करना, और सबसे छोटा काम है लोगों को माफ कर देना, ये भी बड़ा कठिन है। और ये माफी का जो साहित्य है वो जैन साहित्य में मिलता है। भगवान महावीर ने इस बारे में अहिंसा के ऊपर बहुत कुछ कहा है, और अहिंसा का जो तत्व है उसकी वजह से प्रकृति चल रही है, जिसका मतलब है जियो और जीने दो, पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल स्पीशीज। प्रकृति में डाइवर्सिटी है, विविधता है, और ये विविधता ही प्रकृति की खूबसूरती है। आप अपना दिमाग कम लगाइए और प्रकृति की खूबसूरती को इंजॉय करिए, और ये कहना बंद करिए कि मैं श्रेष्ठ हूं और एक तितली कम श्रेष्ठ है या एक चींटी मुझसे कम श्रेष्ठ है। इसीलिए जैन धर्म में किसी तितली या किसी चींटी को भी मारना निषेध है। हम लोग किसी को नहीं मार सकते, ये बात सही है। मैं भी जैन हूं, मैं बल्कि सड़क पे देख के चलता हूं कहीं कोई चींटी चीटा कोई कीड़ा मकोड़ा मेरे पैर के आगे आके ना मर जाए, और यदि कई बार मर भी जाता है तो बड़ा कष्ट भी होता है। अरे अरे, इस हद तक प्रकृति का सम्मान करना सिखाया गया। जब अहिंसा का पालन करते तो आप प्रकृति का सम्मान करते, और जब आप प्रकृति का सम्मान करेंगे तो प्रकृति आपका सम्मान करती है। आपका कोई प्रयास विफल नहीं होगा, याद रखिए। जस्ट प्रकृति का सम्मान करिए, लोगों को माफ करिए, और अपमान और प्रतिशोध की ज्वाला से पूरा महाभारत हुआ उसको अपने मन में मत जलाइए। अपमान और प्रतिशोध दो विष की तरह है, जिसको पीता तो इंसान खुद है और सोचता है मरेगा सामने वाला। घृणा आपको जलाती है, दूसरे को नहीं, याद रखेगा। तो अपने को जलन से बचाइए और दूसरों को माफ करके आगे बढ़िए। पांचवा जो तत्व है लीडरशिप का, मोटिवेशन का, वो है ग्रेटिट्यूड, जिसकी बात अभी हमने थोड़ी देर पहले की। हो सके तो जीवन के हर कदम पर ये मन में भाव धारण करिए कि ईश्वर तू श्रेष्ठ है जो तूने मुझे बचा रखा है। इस कोविड में वरना कितने लोग मर गए। आपका परिवार यदि सुरक्षित है तो ईश्वर की अनुकंपा है। आपकी नौकरी सुरक्षित है, आपकी रोटी सुरक्षित है, और आप यदि रोटी खा रहे हैं जीवन में सुरक्षित रह के, आपको रोटी कपड़ा मकान मिला हुआ है, तो आप मानिएगा कि ईश्वर का आपके ऊपर वरदान है। एक विनोद अग्रवाल जी का बड़ा अच्छा भजन है, जिसकी लाइन ये कहती है कि खुली छतों के दिए जल रहे हैं, कोई तो इन चिरागों को इन हवाओं के पर कुतरता है, वरना ये चिराग कभी के बुझ ना जाते। मतलब हमारा जीवन जब तक चल रहा है कोई है जो इसको चला रहा है, वरना इसको बुझाने के लिए बहुत सारी चीजें हमारे आसपास हो रही हैं। ये यदि आप महसूस करेंगे तो आपके अंदर एक कृतज्ञता का भाव आएगा। वरना आजकल मैं एक पुराण है, इसका नाम है पद्म पुराण, वो मैं पढ़ रहा हूँ सुन रहा हूँ, तो उसमें एक कहानी में बताया गया, एक चांडाल एक राक्षस या एक प्रेत योनि में किसी का जन्म हुआ, प्रेत योनि में, उसका नाम था कृतघ्न, मतलब उसका नाम है कृतघ्न। तो प्रेत योनि में वो लोग पैदा होते हैं जो कृतज्ञता नहीं रखते, कृतघ्न होते हैं। यदि आप कृतज्ञता रखेंगे तो, यदि आप माफ करेंगे तो क्या फायदा होगा, आप ही बता दीजिए मुझे, माफ करने से क्या फायदा होगा, कृतज्ञता रखने से क्या होने वाला है, बता दीजिए। अनीता जी क्या मानती है, माफ कर देने से और कृतज्ञता रखने से क्या फायदा होगा? तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि यू आर ए गुड ऑरेटर। शुरू से लेके आखिरी तक अभी तक जो भी आपने बोला, इट वॉज सो इंटरेस्टिंग एंड सो कॉन्टिन्यूस कि हम लोग इधर उधर मतलब कुछ ना देख पाए ना सुन पाए जो भी आपके विचार हैं। और मैं एक श्रेष्ठ वाली बात पे भी बोलना चाहती, एक्चुअली मेरे कैमरे में या तो ऑडियो दिखता है या वीडियो आता है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें। नहीं, आप तो, दोनों दिख रहे हैं, आप भी दिख रही है, ऑडियो वीडियो दोनों चल रहा है आपका, थोड़ा सा हाँ दिक्कत है इसमें। सर जो पहले इसका जवाब देने से पहले जो आपकी पहली स्लाइड थी श्रेष्ठ वाली, जिसमें आपने ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में युद्ध की बात की थी जी, क्योंकि वो जो आपने बात हमें बताई वो सतयुग की बात थी, बहुत पहले थी। आज के समय में अगर एक जना दूसरे के ऊपर जो भी प्रहार करता है
पहले तो हम में ही वो सहन शक्ति नहीं है, हम एक बार सहेंगे, दूसरी बार सहेंगे, शायद तीसरी बार हम भी उसका पलटकर जवाब देंगे जी। तो वही हमें अपने आप में आत्मसात करना बहुत मुश्किल है जी। तो जो श्रेष्ठ की परिभाषा है वो आज की तारीख में वैसी नहीं है जैसी आपने बताई। अब इसी को अगर हम कहें कि उसने मुझे एक बार मारा, दूसरी बार मारा, और मैं ये सोचूं कि मैं इसे माफ कर दूं, जो अभी आप बोल रहे हैं कृतज्ञ होना और कृतधन होना, वो भी अपने आप में आत्मसात करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम अपनी ईगो पे ले जाते हैं, हम अपने अहम पे ले जाते हैं, इसने मुझे क्यों मारा, मेरी क्या गलती थी, मेरी क्या कमी थी। तो ये बातें कौन डिसाइड करेगा? मैं तो मान लो मैं माफ कर दूं उसे, माफ कर दिया मैंने जिसने मेरे साथ भी बुरा किया, वो फिर करेगा, तो हम कितनी बार माफ करेंगे? मैं तो उसे एहसास नहीं करा सकती ना कि तुमने गलत किया। जब तक उसको अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, मेरी माफ करने का भी उसके ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ेगा जहां तक मुझे मालूम है। देखिए, मैं यहाँ पर बड़ा एक साधारण भाषा में एक बात कह रहा हूं, आपके यदि माफ ना करने से आपका फायदा होता हो तो आप वो कर लीजिए। मैं कहता हूं आप माफ मत करिए, यदि इसमें आपका फायदा है तो इसी के साथ जिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर मन में थोड़ा सा विद्वेष मत रखिए, राग और द्वेष वाला भाव मत रखिएगा। बस राग और द्वेष से मुक्ति चाहिए तो माफ करना और ग्रेटिट्यूड लाना बड़ी हमारी मजबूरी है। और मेरा यहां पर एक ही गोल है, अपने अंदर मौजूद ऊर्जा को संचालित करना, बढ़ाना, और उसमें यदि माफ कर देना मेरा माध्यम बनता है तो मैं माफ कर दूंगा, क्योंकि मुझे अपने ऊर्जा की ज्यादा चिंता है। किसी फालतू काम के लिए मैं अपनी ऊर्जा का नाश नहीं कर सकता। शायद हम सब यही करते हैं, इग्नोर करके ही आगे बढ़ते रहते हैं। उसे इग्नोरेंस कह लीजिए या माफ करना कह लीजिए, तो इग्नोर कर दीजिए। और यदि इग्नोर किए बिना आप यदि उसको मन में धारण करके यदि चल सकते तो वैसे चल लीजिए, ऐसे खुश रहिए, लेकिन खुश रहिए। फिर ये नहीं कही अरे यार फलाने ने मेरे साथ ये कर दिया, ढिमकाने ने ये कर दिया, बॉस ऐसा है, मेरे माँ बाप ऐसे, मेरे बच्चे ऐसे। अब इतने कंप्लेन के साथ तो ऊर्जा बचेगी, वो सब कर लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो मेरा गोल था वो यही था कि ऊर्जा के स्रोत आपके अंदर है, हो सके तो उनको ध्यान दीजिए। ध्यान देने के तरीके मैंने बताया, पहला था मीनिंग, मैन सर्च फॉर मीनिंग, मार्क इंग्लिश की बात की, दूसरा अजम्पशन की बात की, जिसमें मैंने ये सॉरी विक्टर फ्रेंकल पहले में, दूसरे में मार्क इंग्लिश की बात की, तीसरा सेल्फ कॉन्सेप्ट बताया जो किसान की स्टोरी, चौथा मैंने फॉरगिवनेस, पांचवा ग्रेटिट्यूड बताया। यदि इन सब बातों को मैं अब आपको सामने बड़े सिंपल भाषा में परोस दूं तो मैं ये कहूंगा कि शोले की स्टोरी याद करिए, लास्ट चीज है, मैं आपका ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करूंगा। तो शोले की स्टोरी जो कि मैं मानता हूं सभी ने देखी होगी शोले पिक्चर, और एक बार नहीं शायद पांच बार भी देखी हो, सात बार भी देखी हो। उस पिक्चर में मैं ये जानना चाहता हूं कि जय और वीरू के अंदर मोटिवेशन तब आया और क्यों आया। शुरू में तो वो पैसों के लिए काम करते थे और ठाकुर ने भी 5,000 रुपए दे के अपने यहां हायर कर लिया था, लेकिन एक समय ऐसा आता है एक वक्त जब धर्मेंद्र यानी कि वीरू ठाकुर के पास जाके कहता है कि ठाकुर साहब ये पैसे रख लीजिए। तो ठाकुर कहता है क्यों? कहता है ये मत समझिएगा पैसे वापस करने का मतलब कि हम काम नहीं, काम तो अब होगा ही होगा, गब्बर तो पकड़ा ही जाएगा चाहे जिंदा या मुर्दा। तो कहता नहीं, जिंदा मुर्दा नहीं। तो ऐसी क्या बात हुई वीरू के साथ कि जो मस्कीटियर, टू मस्कीटियर, जय और वीरू, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पैसे कमाने में लगा दी, गलत तरीके से आधा समय जेल में रहे, आखिर किस बात ने उनका हृदय परिवर्तन कर दिया और किस बात की वजह से वीरू ने वो 5,000 रुपए वापिस कर दिए, किस बात की वजह से अमिताभ ने मौत को गले लगा लिया, किस हद तक वो लोग चले गए, आखिर ये परिवर्तन कहां पर हुआ, कैसे हुआ? उनकी स्टोरी थी कि ठाकुर ने अपनी स्टोरी बताई थी कि उसको किस तरह से मारा था, वो उसकी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया था। बिल्कुल सही बात है, जो संजीव कुमार ने, ठाकुर ने अपने जीवन में काम किए उसकी स्टोरी बताई और वहां तक बताई जब उसके दोनों हाथ कट गए, उनके मन में एक भाव आया यदि हम वीर हैं, हम ताकतवर हैं, तो अब मजा आएगा गेम में, अब पैसे में क्या रखा है।
देखिए जीवन का जो प्रारंभिक हिस्सा होता है 25 वर्ष की आयु से लेकर 45 वर्ष हम सब लोग पैसों के लिए काम करते हैं, जीवन को थोड़ा सुरक्षित करना चाहते हैं, लेकिन 45 वर्ष की आयु के बाद आपको दिशा को चेंज कर देना चाहिए और वो दिशा है अब पैसे वापस करने का टाइम है। जो जो आपने अपनी संस्था से पैसे लिए आप अपने कर्मों से अपने कंट्रीब्यूशन से वो पैसे वापस करिए, ऋण होकर जीवन को खत्म करिए। ये मत सोचिएगा मेरी संस्था ने मेरे पे एहसान किया, आपने भी उसके ऊपर बराबर एहसान किया, आपने भी अपना फर्ज पूरा अच्छे से निभाया। ये है लीडरशिप, ये है मोटिवेशन। जब आपके माइंडसेट में परिवर्तन आ जाता है तो जिस तरह संजीव कुमार का जीवन एक रोल मॉडल के तहत जय और वीरू जैसे लोगों का जीवन बदल सकता है, तो आपकी लाइफ भी एक रोल मॉडल जूनियर साइंटिस्ट के लिए, जूनियर व्यक्ति के लिए यदि अच्छी होगी तो उसका जीवन जरूर बदलेगा, किसी जय और वीरू को आप भी बदल देंगे। तो आई विल स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच। आपका 5 बजे तक का आपने समय दिया था, लेकिन कोई सवाल जवाब करना चाहे तो मैं मौजूद हूँ, आप सवाल जवाब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे को यहाँ मौका देने के लिए। थैंक यू सर। सर आपका व्याख्यान बहुत ही सरल शब्दों में आपने बयान किया है। आपको वोट ऑफ थैंक्स बोलने से पहले मैं चाहूंगी अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई सर से कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और मैंने अपना फोन नंबर और वो ईमेल दे दिया है, फिर भी यदि आप कोई संपर्क करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं। करनाल और गुड़गांव बहुत ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ वर्मा सर कुछ अपनी लास्ट लाइंस बताने वाले थे कि वो व्याख्यान के बाद में शेयर करेंगे। हेलो, हाँ जी वर्मा जी। हाँ सर, ये कुछ पंक्तियां थी, मैं इसी के इसमें जोड़ देना चाह रहा था। एक तो स्वास्थ्य क्या है और कितना पॉजिटिव एटीट्यूड इसमें आता है, इसके लिए दो लाइनें हैं। स्व स्थितो यस्य मनः, जिसका मन अपने में स्थित हो जाता है। स्व स्थितो यस्य मनः प्रशांतो सागरम इति, और मन जो है सागर की तरह प्रशांत हो जाता है। समर्पण अभी लेकिन यहां तक पूर्ण नहीं होता है। समर्पणम तु विष्णुपदे, उसके बाद जब वो समर्पण कर दे कि मेरा नहीं है। समर्पणम तु विष्णुपदे स्वस्थम शिव निरापदम, वही शिव के समान निरापद स्वस्थ हो जाता है। दूसरा था एक साहब जो परिवर्तन प्रकृति का नियम ही है, परिवर्तनीयता है। आज जो अच्छा है वो 500 साल के बाद गलत हो जाएगा, ये एक जैसा स्थिति। सत्य असत्य का ऐसा नहीं कोई वो क्लियर कट रेफरेंस नहीं है, जो आज सत्य है कुछ दिन के बाद असत्य होगा। तो उसी के लिए था, क्योंकि परिवर्तनता का बीच में आपने कहा था तो उसके लिए मैंने लिखा है समस्त विश्व चैतन्यम, यूनिवर्सल कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड। समस्त विश्व चैतन्यम अचेतन्यम चा, और समस्त विश्व अचेतन मन, ये दोनों जहां मिलते हैं एक जगह जाकर उनका ध्रुव बनता है, उसको कहते हैं दैव, उसी को दैव योग कहा जाता है। अब वो अपरिवर्तित होता है, उसको मानव मात्र परिवर्तित नहीं करता है, उसका अनुसरण करता है। तो समस्त विश्व चैतन्यम अचैतन्यम च प्रभवति दैव योगम ध्रुवम, वही निश्चित रूप से दैव योग को सुनिश्चित करता है और पूरी प्रकृति उसी का अनुपालन करती हुई जाती है। ऐश्वर्यम श्री विशर्पयत, ऐश्वर्य और श्री सांप की तरह से इसी तरह से चलते रहते हैं, एक तरफ दाएं तरफ एक तरफ बाएं तरफ, यही काल की गति है। ऐश्वर्यम श्री विशर्पयति नित्यम दैव योगेन निरंतरम, तो जो आज अच्छा है कल खराब हो जाएगा, जो कल खराब था वो आगे अच्छा। तो ये नित्य निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति है और सबके मन की स्थिति अलग अलग स्थित होती है, तो जो जिसकी मन की स्थिति वो उसके अनुरूप कार्य करता है, उसको चेंज करना असंभव है। ये नहीं किया, क्योंकि अगर ऐसा परिकल्पना करेंगे तो भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया ज्ञान कि कर्म मैं करता हूं, पुरुष भगवान है,
मैं करता यही अर्जुन को समझाने की कोशिश किया, देख सब मेरे अंदर से प्रकट हो रहे हैं और मेरे अंदर समाए, तू कैसे कर्म कर सकता है। तो कर्ता का भाव जब जब तिरोहित कर देंगे तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। और अंतिम पंक्ति जो है आपके लिए है, वो जरूर कहना चाहूंगा, कृतज्ञो अहम जैन महोदयस्य, कृतज्ञो अहम जैन महोदयस्य, मैं जैन महोदय साहब का कृतज्ञ हूं। शुचि संभाषणाय पुनः पुनः, जो उन्होंने इतना सुंदर भाषण दिया उसके लिए बार बार कृतज्ञ हूं। औचित्य शोधनम विशोषकम, जिनका जो भाषण है हमारे चित्त को शोधन करता है और अशुचि अवतरता का जो है शोख लेने वाला है, ऐसा उनका ये संभाषण रहा है। प्रवृत्ति ऊर्ध आरोहणम तथा, और हमारी प्रवृत्ति को ऊर्धगामी बनाता है। इसी के साथ आपको धन्यवाद सर। बहुत अच्छा वर्मा जी, आप तो बिल्कुल कवि हैं और वो भी संस्कृत के प्रकांड कवि निकले। अरे सर वैसे ईश्वर की कृपा है, मतलब आप संस्कृत भी इतना अच्छा बोलते हैं लिखते हैं, ये बड़ा पहली बार मेरे को कोई व्यक्ति मिला जिसको संस्कृत भाषा का इतना अच्छा ज्ञान है। कभी बचपन में सरस्वती मंदिर में मैंने तीसरी चौथी पांचवी क्लास में संस्कृत पढ़ी थी और वो छूट गई, तो बड़ा दुख होता है कि संस्कृत नहीं सीख पाया जीवन में जी। तो आपका तो बड़ा अच्छा ज्ञान है और अच्छा लिखते भी है, अच्छा बोलते भी है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर, प्रणाम। भारद्वाज साहब आप थोड़ा सा हंस से रहे थे तो मेरा मन सा हुआ आपसे बात कर जाऊं। अजय भारद्वाज जी ठीक है सर, मैं आपका नंबर, थैंक यू सो मच, नंबर ले लीजिएगा परमा जी, मैं संपर्क में रहूंगा सर। बंद करके निकल लेता हूँ, लेकिन जब से आपका शुरू हुआ था मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। इट वॉज सच अ फैंटास्टिक लेक्चर, मैंने जिंदगी में कभी सुना नहीं है, और आई एम थैंकफुल टू ऑर्गेनाइजर्स की आपको बुलाया और मैंने सुना पहली बार ऐसा, एंड आई एम रियली मोटिवेटेड टू, मतलब आपकी बातें जो थी वो मैं अपने जीवन में सोच रहा था कि कहाँ कहाँ कैसे फिट हुई और कैसे आगे बढ़ना चाहिए, तो इट्स रियली फैंटास्टिक, आई हैव नो वर्ड्स, थैंक यू सो मच। और मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, बीच बीच में जो मुस्कुराने वाली चीजें थी उस पर मुस्कुरा दिया और बिना अनम्यूट किए। सो वैसे आप ना एक महाभारत में भारद्वाज एक ऋषि की कहानी है, भारद्वाज ऋषि थे और उनके एक कुलीग थे, उनका नाम था रैभ्य ऋषि, रैभ्य ऋषि रैभ्य, तो भारद्वाज और रैभ्य की जो कहानी है बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन उसमें इतना ज्ञान है हैरान कर जाएगा आप। भारद्वाज के बेटा था यवक क्रीत करके, और रैभ्य ऋषि के दो बेटे थे, क्या नाम था मैं नाम भूल गया देखिए, लेकिन वो कहानी बहुत बढ़िया है, मजेदार है, आप सुनिएगा कभी महाभारत में। भारद्वाज है तो आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू वर्मा सर, आपने शब्दों को बहुत अच्छे से पिरोया और मुझे लगता है इससे अच्छा वोट ऑफ थैंक्स शायद मैं तो नहीं बोल पाऊंगी, आपने बहुत अच्छे से बोला है, थैंक यू सर उसके लिए। और डॉक्टर अजय के जैन सर, आपने इतना समय हमें दिया है, हम इसके लिए आपके आभारी हैं। आपने सही कहा है कि श्रेष्ठ बने रहने के लिए हमें सदैव कार्यरत रहना होगा और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना है। अपने अधिकारों का ज्ञान होना हमें अच्छा है, लेकिन अगर हम अपना कर्तव्य करते जाते हैं तो हमें अपने अधिकार अपने आप मिलते रहेंगे। आगे हम चाहेंगे कि कोविड का समय जल्दी खत्म हो और हम कभी आपको अपने इंस्टीट्यूट में बुलाएं और आपका लाइव सुने, यानी इंस्टीट्यूट में, ये बहुत अच्छा होगा। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि आपका हर एक शब्द हमारे लिए इंस्पायरिंग था, एक इंस्पिरेशन था, और हम लोग शायद फिजिकली यहाँ बैठे हुए जरूर थके होंगे लेकिन आपके शब्दों को सुनते हुए हम में से कोई नहीं थका होगा, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ और शायद सारे लोग मेरे से अग्री भी करेंगे। थैंक यू सर आपका आज का ये लेक्चर देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको जाने से पहले एक बात बोलता हूँ कि जैसे
मैं वो मिठाई वाला हूं जो अपनी मिठाई खुद ही खा लेता है सारी, क्योंकि ये मैं किसी को मोटिवेट करने के लिए लेक्चर नहीं देता, जो मैं अपने ऊपर इस्तेमाल करता हूं, मैंने सिर्फ शेयर किया है, मैं उसको इसलिए लेक्चर नहीं मानता, क्योंकि पिछले एक साल से, पूरे एक साल कोविड के दौरान, अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 तक मैंने 4600 किलोमीटर की पदयात्रा की है अपने कैंपस, 4600 किलोमीटर, और ये सोचता रहा इसी बारे में जो कोविड के बारे में और कुछ ऐसे लीडर्स के बारे में और कैसे ऋषियों के बारे में, यदि भारतवर्ष के कुछ ऐसे राजा और कुछ ऐसे ऋषियों के बारे में आप सुनेंगे समझेंगे तो आप अपने देश पर जरूर फक्र करें। मैं सच बोलता हूं कि पता नहीं कितने जन्मों का फल है जो भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ, आप इस देश में पैदा हुए या आपके पुण्य कर्मों का नतीजा, इतना श्रेष्ठ इतिहास है इस देश का, भारत से अच्छा देश आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। मैं करीब 27-28 कंट्री घूम चुका हूं, तब ये बात बोल रहा हूं, बाहर रह भी चुका हूं, तो यू आर लकी टू बॉर्न इन दिस कंट्री, गजब का देश है, और ज्ञान जो है हमने उसको छोड़ रखा है, उसको कोशिश करिए कि उसमें जाके लेके आइए उसको, पलट के कि कुछ है हमारे पास, बहुत सुंदर बातें हैं, कहीं धर्म, हिंदू धर्म जैसा वर्ड कहीं नहीं मिलता, सिर्फ ज्ञान मिलता है, धर्म तो है ही नहीं यहाँ, एक अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा देता है ये। हम लोगों ने कहीं पे कुछ कलुषित हो गए, कुछ गलत गलत दिशा में थोड़ा सा चला गया और कुछ नहीं है, वो दिशा सही करनी है और आपको बहुत फायदा होने वाला है। मैं शर्मा जी को जरूर धन्यवाद दूंगा जो उन्होंने करीब 5 साल पहले मुझसे मिले थे और उन्होंने याद रखा, सर बहुत बहुत धन्यवाद, और ये अवसर दिया शर्मा जी ने कि मैं आप सब तक पहुंच पाऊं और अपनी बात कह पाऊं। मेरा ये था कि जो मेरे को आपने सही कहा कि आज तक नहीं भूले ये लेक्चर्स, 3 दिन के लेक्चर्स थे और तीनों दिन इसी तरीके से ही रहा, जिसको हम कहते हैं कि मंत्रमुग्ध होके सुनते रहे, और वो छवि जो है आपकी और आपके साथ मैडम थी, उनका नाम मैं भूल गया, आप बताएं तो अच्छा रहेगा। डेजी चौहान? नहीं, सुमिता राय या विदु गौर शायद। हाँ, विदु गौर, ठीक है। तो आप दोनों लोगों ने जो मैक्सिमम टाइम, मतलब बीच में दूसरे भी आए थे लोग जो आपने बाहर से भी स्पीकर्स बुलाए थे, लेकिन मेनली आप दोनों का था, और इसीलिए मेरे दिमाग में कई देर से था कि भाई अपने इंस्टीट्यूट में आपको बुला के लेक्चर करवाएं, लेकिन अभी मौका मिला, ठीक है कि चलो ऑनलाइन ही सही, आना तो अभी पॉसिबल नहीं है, तो फिर कभी मौका मिला तो जरूर हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सेशन के लिए मैडम पारुल सुधा जी को, जिन्होंने सेशन कंडक्ट करवाया, और जो मैं फाइनल थैंक्स जैन साहब को बोलूं, उसके पहले जैसे हमारे जो डायरेक्टर साहब का थैंक्स उसके पहले बनता है कि जैसे उन्होंने जब हम प्रोग्राम बना रहे थे तो जैसा उन्होंने अभी बताया अभी कि उन्होंने ही आपका नाम प्रेजेंट कर दिया, और सडनली जब उन्होंने हम नाम आपका दिया और डिटेल दिए, और आज जो हम लोग जो बेनिफिट हुए हैं वो सब सर के कारण से ही हुए हैं, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको सबसे पहले, और उसके बाद फिर जैन साहब को धन्यवाद कि जैन साहब ने इतना अच्छा, क्योंकि इस तरह का जो प्रेजेंटेशन होता है जिसमें बहुत बड़े 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 उद्देश्य दिए देख के लोग चले जाते हैं, और उद्देश्य देने के बाद में वो न किसी को समझ में आते हैं उसको कैसे कार्यान्वित करेगा, कौन कैसे उसको अपनाएगा, उसके बारे में सब कंफ्यूज रहते हैं, परंतु तो आपने जितने सरल शब्दों में और जिस तरह की जो उदाहरण दिए हैं, चाहे वो माइथोलॉजिकल हो, हिस्टोरिकल, जिसको आप हिस्टोरिकल भी हम लोग मानते हैं, हिस्टोरिकल हो या अपने ओन जिंदगी के जो जो उदाहरण दिए, उसके कारण से सभी के मुझे लगता है कि काफी कुछ विचार बदलने में इसकी सुविधा जरूर होगी, और विचार बदलना ही मोटिवेशन है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सर्टनली हम कभी और जैसा कि कहा है कि अपॉर्चुनिटी जरूर तलाशेंगे कि हम आपको एक कोई और अच्छा सा टॉपिक लेके आपके साथ में आएंगे जिसमें कि मार्ग प्रदर्शन का हमें मौका मिलेगा। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका सुनने के लिए, और आपने बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें भी कही,
और इंटरेक्ट भी किया, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। थोड़ा सा समय ज्यादा होता तो और ज्यादा लोग शायद अपनी बात कह पाते, और मुझे ऐसा लगता है कि कई बार कुछ लोगों को अवसर नहीं मिल पाता, थोड़ा बड़ा ग्रुप हो जाता है या समय कम हो जाता है, तो समय मिला तो जरूर दोबारा मिलेंगे आपसे। जरूर सर, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।